तो बच्चों हम लोग माइंड मैप सीरीज में आज जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम ब्रीदिंग कर ही क्यों रहे थे, हमने ओटू को लिया ही क्यों है, क्या वो पानी में रहते हैं, आर दे एक्वेटिक, या वो टेरेस्ट्रियल लैंड में रहते हैं, आर दे टेरेस्ट्रियल। एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह पे हो रहा है, या डिफ्यूजन दो जगह पे हो रहा है, एक आपके एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, और एक ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। बट अब क्वेश्चन ये है कि इसको बढ़ाया किसने, ये वापस कैसे गया, अपने आप ब्रेन से तो ऐसा हो नहीं सकता, लंग्स में उसके अपनी दिमाग थोड़ी है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 15 है तभी आपको 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड दिखने लगेगा। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू फिजिक्स वाला। तो बच्चों हम लोग माइंड मैप सीरीज में आज जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दैट इज ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और ये चैप्टर आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, आपके नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जल्दी से पढ़ेंगे, कम शब्दों में सारे टॉपिक्स को यहाँ पे कवर करने वाले। सो वेलकम बैक टू क्लास, आई होप आप सब बहुत बहुत हेल्दी हो और अच्छे हो। सो हियर वी गो गाइस, आज के इस टॉपिक्स में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन। और आप सबको पता है कि इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, इंट्रोडक्शन को हल्के में नहीं लेना है, इंट्रोडक्शन को हल्के में नहीं उड़ाना है कि क्या ही पढ़ना है। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से हर बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता ही है, ठीक है, ओके। फिर हम रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, राइट। कितने सारे ऑर्गेनिज्म से आपके एनिमल किंगडम में, और सबके पास कुछ कोई ना कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होगा जिसके थ्रू वो गैसेस का एक्सचेंज करता है, राइट। तो उसके बारे में भी हम पढ़ लेंगे। आगे जाके वी विल ओनली फॉलो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिकॉज हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, राइट। हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्या क्या स्ट्रक्चर है, लंग्स, एल्वियोलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एटसेट्रा, ट्रकिया। फिर इवेंट्स इन रेस्पिरेशन भी यहाँ हम देख लेंगे, ठीक है, कि क्या क्या इवेंट्स होता है पूरे रेस्पिरेशन प्रोसेस को खत्म होने के लिए, राइट, शुरुआत से लेके एंड तक। फिर हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी देख लेंगे कि किस तरह से हम ब्रीद इन कर रहे हैं और ब्रीद आउट कर रहे हैं, एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में भी आज डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ हम एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, राइट। उसके साथ लास्ट आपके जो दो छोटे छोटे टॉपिक्स है वो है न्यूरल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर्स, इसके बारे में भी आज हम यहाँ पे बात कर लेंगे। तो बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं हमारा नीट माइंड मैप बच्चों, एंड हियर वी गो। तो मैंने कुछ डायग्रामेटिक वे से भी एक्सप्लेन किया हुआ है, डायग्राम्स में ही लेबलिंग के थ्रू हमने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं अपने हैंड रिटन नोट्स से, एंड आई एम श्योर वो आपको जरूर हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग में हम सबको पता है कि ब्रीदिंग इंक्लूड्स इनहेलेशन, इसमें हम इनहेल भी करते हैं, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन, राइट। तो हमने इनहेल क्या किया है, हमने इनहेल किया है O2, राइट, O2 इनहेल किया है। कहां से O2 को इनहेल किया है, ऑब्वियसली एटमोसफेयर से। तो एटमोसफेयर से जो हमारा इनहेलेशन हुआ है, राइट, O2 का इनहेलेशन हुआ है, CO2 का एक्सहेलेशन हुआ है, दोनों प्रोसेसेस में बिलोंग करता है, राइट, दैट बिकम्स पल्मोनरी वेंटिलेशन या आपकी ब्रीदिंग। अब ये जो ब्रीदिंग हमने की है O2 एंड CO2 की, एक्सचेंज कहाँ कहाँ हुई है, एटमोसफेयर और लंग्स के बीच में, ये आपकी लंग्स है यहाँ पे। तो लंग्स और एटमोसफेयर के बीच में जो एक्सचेंज हो रही है गैसेस की, दैट इज योर ब्रीदिंग, राइट, दैट इज योर ब्रीदिंग, या इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, दैट इज गैशियस एक्सचेंज। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका मतलब है गैशियस एक्सचेंज बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स इज योर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, या फिर इसका दूसरा नाम हो गया है ब्रीदिंग, इसको हम ब्रीदिंग भी बोल सकते हैं, इसका नाम ही है ब्रीदिंग, दूसरा नाम है ब्रीदिंग, या पल्मोनरी वेंटिलेशन भी हम इसे बोल सकते हैं। अब लंग्स में तो चला गया O2, अब लंग्स से वो O2 जाएगा कहाँ, या लंग्स में जो CO2 आया है, यहाँ पे जो आपको CO2 दिख रहा है, ये CO2 आया कैसे लंग्स में, या O2 कहाँ जाएगा, ये सारे ब्लड में जाएंगे। तो देयर इज गोइंग टू बी अ डिफ्यूजन ऑफ दीज गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, लंग्स और ब्लड के बीच में एक्सचेंज होगा किसका, O2 एंड CO2 का, राइट। तो ये जो एक्सचेंज हो रहा है, ये आपका फिर हुआ क्या, गैशियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, ये भी एक तरह का रेस्पिरेशन है, लेकिन ब्लड में ही रह जाएगा क्या वो O2 एंड CO2, नहीं, ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करके अलग अलग ऑर्गन्स के पास लेके जा रहा है, अलग अलग सेल्स या टिश्यूज को प्रोवाइड कर रहा है,
तो अब ब्लड एंड टिश्यूज के बीच में भी आपको एक्सचेंज दिखेगा। ये ब्लड O2 एंड CO2 को, सपोज O2 को ट्रांसपोर्ट करते हुए सेल में लेके आ रहा है और सेल से CO2 को ट्रांसपोर्ट करते हुए लंग्स में लेके जा रहा है, राइट? ट्रांसपोर्ट किया और सेल, ब्लड और सेल्स के बीच में एक्सचेंज भी हुआ, डिफ्यूजन भी हुआ, तो वो हो गया आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। गैशियस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड योर ब्लड एंड ब्लड एंड टिश्यू, ये दो पॉइंट, नंबर वन, नंबर टू, ये आपकी इंटरनल रेस्पिरेशन में आ गई। नेक्स्ट आता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो O2 आपके सेल्स में डिफ्यूज होके गया है, क्यों? हम ब्रीदिंग कर ही क्यों रहे थे, हमने O2 को लिया ही क्यों है? बिकॉज इस O2 को यूटिलाइज करके ये सेल कुछ मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन करेगी, राइट? तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है O2 इज यूटिलाइज टू ब्रेक डाउन स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि फैटी एसिड, जैसे कि अमाइनो एसिड, राइट? इन सब का ब्रेक डाउन करके वो करेगी क्या? टू डिराइव एनर्जी ATP प्रोडक्शन के लिए। तो बहुत सारे मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस आपके सेल्स के अंदर चल रही है और इस, क्योंकि उसने O2 का यूटिलाइजेशन किया हुआ है, इसीलिए हमने इसे एरोबिक रेस्पिरेशन बोला है। तो सेल्स के अंदर ये O2 की यूटिलाइजेशन जो चल रही है, उस वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है और इस एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू सेल्स अपनी मेटाबॉलिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, इसीलिए O2 की जरूरत थी। अब मेटाबॉलिकल एक्टिविटी तो उसने कर ली, ग्लूकोज, फैटी एसिड, इन सब का ब्रेकडाउन कर लिया, बट अब उससे कुछ प्रोडक्ट भी तो निकलेगा। तो जो प्रोडक्ट निकलता है या जो आप उनके फाइनल प्रोडक्ट है ब्रेकडाउन के बाद जो भी रिजल्टेंट रिलीज है, वो सब CO2 एंड वाटर का होता है। इसीलिए सेल से आप देखो CO2 पे रिलीज आउट भी हुई है और इसी CO2 को फिर हम ब्लड ने ट्रांसपोर्ट कराया, करा के ये एल्वियोलाई के पास लेके गया, वहां एक्सचेंज कर लिया उसने, फिर ये CO2 बाहर चली गई, राइट? तो ये प्रोसेस आपका पूरा ब्रीदिंग प्रोसेस या रेस्पिरेशन चल रहा है। ब्रीदिंग सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट है जो एटमोस्फेयर और लंग्स के बीच में जो चल रहा है। दिस इज योर एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एटमोस्फेयर एंड लंग्स इज योर ब्रीदिंग। बाकी आपका इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। सेलुलर मतलब क्योंकि O2 की यूटिलाइजेशन सेल्स के अंदर चल रही है। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन है पूरा NCERT का, जो एक दो पैराग्राफ है उसको मैंने एक ही पेज में कंप्रेस किया हुआ है आप सबके लिए। तो आई होप ये आपके लिए यूजफुल होगा, राइट? फॉलोड बाई दैट, अब हमने ये O2 CO2 का एक्सचेंज देखा किस तरह से ब्लड में गया, ब्लड से सेल्स में गया एंड सो ऑन। अब ये O2 CO2 का एक्सचेंज हर एक ऑर्गेनिज्म के पास दिख रहा होगा, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास आपको दिख रहा होगा, स्पेशली एनिमल्स, क्योंकि हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे पास तो लंग्स है, लेकिन सारे और एनिमल्स के पास ऐसे लंग्स प्रेजेंट नहीं है, उनके पास अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है। जैसे कि हमने कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स को ले लिया और कुछ हायर वर्टिब्रेट्स को यहाँ पे लिया है, राइट? तो ये इनके पास आपको अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ऐसा क्यों, अलग अलग क्यों है? दिस इज बिकॉज ऑफ देयर हैबिटेट। इनके डिपेंड करता है कि वो रहते कहाँ पे है, क्या वो पानी में रहते हैं, आर दे एक्वेटिक, या वो टेरेस्ट्रियल लैंड में रहते हैं, आर दे टेरेस्ट्रियल। तो mechanism of breathing vary among different groups of animals depending on their number one habitat, right, and number two level of organization. Level of organization ka matlab kya hai ki kya wo cellular cellular aggregate form ka hai, kya wo tissue form ka hai animal, ya wo organ level ka hai ya organ system level ka hai। तो अगर वो सिर्फ सेलुलर एग्रीगेट है, सपोज ये जो पॉरीफर है सिर्फ सेल से बने हुए, एग्रीगेशन ऑफ सेल, तो इनके पास हम क्या देखेंगे? इनके पास हम देखेंगे कि इनके बॉडी वॉल या बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रहा है, इनको अलग से किसी ऑर्गन की जरूरत नहीं। ये एक्वेटिक है ऊपर से, तो पानी में जो O2 CO2 है वो डायरेक्टली एक्सचेंज हो रहा है पानी से उनके बॉडी वॉल के थ्रू, दैट्स ऑल। तो इसीलिए हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है ये, ठीक है? निडारिया को अगर हमने देखा, निडारिया में आप क्या देखोगे, निडारिया का भी बॉडी वॉल या बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। निडारिया भी एक्वेटिक है, वो भी पानी में रहता है, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, एटसेट्रा। टीनोफोरा में भी सेम है, प्लैटीहेलमिंथस में भी सेम है, एस्किलमिंथस में भी आपको सेम दिखता है। हालांकि एस्किलमिंथस का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा ऑर्गन सिस्टम लेवल का है, लेकिन इसीलिए दिखता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्किलमिंथस दे आर पैरासाइट्स, वो आपके बॉडी में रहते हैं, पैरासाइट्स है, वो वॉर्म्स है, जैसे एस्कैरिस,
या कुछ प्लांट्स को भी वो इन्फेक्ट करते हैं। तो क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, जैसे हमारे बॉडी के अंदर सपोज ये एस्कैरिस है, या चलो प्लैटीहेल्मिंथेसी ले लो ना, टेप वर्म, तो ये अपने बॉडी के थ्रू, ये फ्लैट वर्म है, फ्लैट है, बॉडी के थ्रू आसानी से डिफ्यूज कर सकते हैं ये O2 and CO2 को, राइट। अब थोड़े से हायर इनवर्टिब्रेट्स के पास आते, ये सारे इनवर्टिब्रेट्स है, जैसे कि एनेलिडा। एनेलिडा अगर आपने देखा तो एनेलिडा जैसे अर्थ वर्म, उनको क्या दिखेगा, उनके ऊपर आपको मॉइस्ट क्यूटिकल दिखेगा, राइट, मॉइस्ट क्यूटिकल दिखेगा, राइट। तो मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू उनका इजीली O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। अगर आपने आर्थ्रोपॉड्स देखा, आर्थ्रोपॉड्स एक बहुत लार्ज फाइलम है, उसमें आपको एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स दिखेंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपॉड्स दिखेंगे, कुछ एयरबॉर्न आर्थ्रोपॉड्स भी दिखते हैं, है ना। तो अगर हमने एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स की बात की, जैसे कि क्रस्टेशिया, अगर आपने क्रस्टेशिया को ले लिया तो क्रस्टेशिया में आपको क्या दिखेगा, ये बैंकियल रेस्पिरेशन या गिल्स, ठीक है, ये एक्वेटिक का है। एक्वेटिक मतलब यहाँ पे छोटा सा लिख देती हूँ, हम क्रस्टेशिया की बात कर रहे हैं। क्रस्टेशिया कौन है, प्रॉन्स, क्रैब्स एक्सेट्रा, ठीक है। फिर हमने अगर टेरेस्ट्रियल देखा, जैसे कि सपोज इंसेक्टा ले लेते, इंसेक्ट एक आर्थ्रोपॉड है, कॉकरोच, उनके पास आपको क्या दिखेगा, ट्रैकियल ट्यूब दिखेगा टेरेस्ट्रियल। सिमिलरली मोलस्का में भी वैसा है, कुछ मोलस्क आपके एक्वेटिक होते हैं, उनके पास आपको गिल्स दिखेगी, इनके गिल्स को टीनीडिया बोलते हैं, राइट। ये आपने एनिमल किंगडम में आप पढ़ने वाले हो, मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिख दिया है ये चीज, ठीक है। और अगर ये कुछ लैंड स्नेल्स है, कुछ लैंड स्नेल्स जैसे मोलस्क कुछ लैंड में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, उनमें आपको क्या दिखेगा, पल्मोनरी सैक, लैंड स्नेल्स जैसे कि हो गया। इकाइनोडर्म्स में आपको ट्यूब फीट एंड हेमिकॉडिटा में आपको फेरिंजल गिल्स मिलते हैं। हालांकि ये दोनों पॉइंट आपके एनसीईआरटी में नहीं है, उन्होंने बस ऐसे आर्थ्रोपॉड, मोलस्का, एनेलिडा और बाकी इनका दिया हुआ है। ये आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, राइट, ये थोड़ा सुपर टॉपर पॉइंट्स है, मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, दैट्स ऑल, ये आप एनिमल किंगडम में पढ़ने ही वाले हो। अब अगर हम वर्टिब्रेट्स की तरफ आ जाए, तो वर्टिब्रेट्स में हमने फिश देख लिया, राइट, फिश देख लिया, फिश के पास गिल्स है, ऑब्वियसली वो एक्वेटिक है, राइट। कुछ फिशेस होती है जो लैंड में भी घूम सकती है, उनके पास एक्सेसरी रेस्पिरेटरी डक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लंग फिश एंड ऑल, सर्वाइव कर सकती है, वो तो एक्सट्रीम केस हो गया है। एम्फीबिया हमने रिसेंटली फ्रॉग पढ़ा था, है ना, और फ्रॉग में हमने क्या देखा कि वो स्किन के थ्रू रेस्पायर कर सकता है, वो लंग्स के थ्रू भी रेस्पायर कर सकता है, और बकोफेरिंग्स या फिर उनकी ओरल कैविटी के थ्रू भी वो रेस्पायर कर सकता है। तो तीनों रेस्पिरेशन आपको फ्रॉग्स में या एम्फीबिया में दिख जाएगा। एम्फीबिया में एक और भी होता है, वो पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं है बट मैं जरूर लिखना चाहूंगी, वो है गिल्स। आपको कुछ कुछ एम्फीबिया में आपको गिल्स भी दिखेंगे, राइट, कुछ में आपको गिल्स भी दिखेंगे कुछ कुछ एम्फीबिया में, जैसे कि टैटपोल, राइट, टैटपोल हो गया, जैसे कि सैलमेंडर, है ना। टैटपोल तो आपका इनका लार्वल फॉर्म है तो वो एक्वेटिक ही है। सैलमेंडर, इन सब में आपको मोस्टली क्या, ये छोटा सा पॉइंट लिखा है, आपको नोट्स में जरूर मिल जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये जो है एम्फीबिया, इनमें आपको गिल्स भी दिखेंगे, तो स्किन, लंग्स, बकोफेरिंग सारे ही आपको एम्फीबिया में दिख जाते हैं। रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, मैमल्स में, इनमें आपको लंग्स ही दिखेगा, चाहे वो रेप्टाइल एक्वेटिक ही क्यों ना हो, क्रोकोडाइल एंड ऑल टर्टल्स हो गए, ये रेप्टाइल एक्वेटिक रेप्टाइल है बट उनमें लंग्स के थ्रू ही वो रेस्पायर करते हैं, पानी में नहीं, वो वापस सरफेस ऑफ वाटर में आते हैं, गल्प ऑफ एयर लेते हैं, काफी देर तक वो वाटर के अंदर रह सकते हैं बिना सांस लिए। सेम आपको कुछ मैमल्स भी दिखेंगे, एक्वेटिक मैमल्स जैसे डॉल्फिन हो गया, वेल हो गया, वो भी लंग्स के थ्रू ही रेस्पायर करते हैं। तो ये हो गया आपके सारे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स इन अदर एनिमल्स। अब हमें फोकस करना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट है, सिर्फ लंग्स है, नहीं, अदर ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन का स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से, राइट। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से इस तरह से स्टार्ट होगा, ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, अंदर यहाँ पे नेजल चेम्बर आपको दिखेगा, कुछ कॉन्केव प्रेजेंट है नेजल चेम्बर में, ये जो फोल्डिंग से आपके नेजल चेम्बर के अंदर, ये सपोज आपका अगर नोज है और नोज सीधा नहीं है, अंदर इस तरह से फोल्डिंग्स है नोज में, ये फोल्डिंग्स जो है नेजल चेम्बर के अंदर, ये एयर के कंडक्शन में हेल्प कर रहा है, वार्म करने में हेल्प कर रहा है एयर को, कंडीशनिंग में हेल्प कर रहा है, राइट। अगर हवा, सपोज ये हमारा, अगर सपोज ये नाक है, राइट, और अगर सीधा हवा चला जाता बिना घूमे फिरे, तो फिर टाइम कम लग पाता ना एयर को गर्म होने के लिए। तो हमने क्या किया है, हमारे बॉडी में नोज में इस तरह से फोल्डिंग्स दिखते हैं,
इन फोल्डिंग्स को हम बोलते हैं कोंके। ये कोंके से गुजरते हुए जाता है आपका एयर, तो एयर घुसा वो थोड़ा ऐसे घूमा घूमा फिर इधर गया, इस तरह से घूम घूम के जा रहा है, राइट। इस वजह से क्या होता है कि एयर को टाइम मिलता है बहुत देर तक आपके नेजल चेंबर में रहने के लिए, और हवा गर्म हो जाती है आपके बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच कर जाती है। मेन काम यही आपके नेजल चेंबर का है। उसके बाद जो एयर है वो मूव करता है आपके इंटरनल नोस्ट्रिल के थ्रू, कहाँ एंटर करेगा, फैरिंग्स में। अब वो आपके फैरिंग्स में आ गया, एंड फैरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। इसीलिए फैरिंग्स आपके बकल कैविटी का भी पार्ट होता है, उसमें एयर भी एंटर करता है और आपकी यू नो फूड भी एंटर उस एरिया से गुजर रही है। फिर आता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है, फैरिंग्स के बाद आता है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, लेकिन इस ओपनिंग के पास पास प्रेजेंट है कुछ कार्टिलेजेस, टू बी वेरी स्पेसिफिक 9 कार्टिलेजेस, और इन सारे कार्टिलेजेस ने मिलकर बनाया है लैरिंग्स, जो आपका वॉइस बॉक्स भी है, राइट। और ताकि ग्लॉटिस के थ्रू खाना ट्रैकिया में ना एंटर हो जाए जब आप स्वेलो कर रहे हो, क्योंकि फैरिंग्स कॉमन पैसेज है, तो एक लैरिंग्स का पार्ट है कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस, वो ग्लॉटिस को कवर कर लेती है जब जब आप स्वेलो करोगे, ताकि खाना आपके विंड पाइप में ना एंटर हो जाए और आप चोक ना कर जाओ, ठीक है, राइट। देन कम्स दी ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया में एंटर होगा लैरिंग्स के थ्रू। लैरिंग्स ट्रैकिया के ठीक बाहर ही इस तरह से अरेंज्ड है 9 कार्टिलेजेस, एंड ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, राइट। ट्रैकिया जाता है आपके लंग्स में, एंटर करने से पहले 5th थोरैसिक वर्टिब्रे के वहां पे वो डिवाइड हो जाता है, वो भी मैं बता दूंगी, डायग्राम में भी लिखा हुआ है, राइट। तो 5th थोरैसिक वर्टिब्रे लेवल में आके ट्रैकिया बाइफर्केट हो जाती है प्राइमरी ब्रोंकाई में, 2 प्राइमरी ब्रोंकाई, और फिर वो एंटर कर जाती है एक एक लंग्स में, क्योंकि आपके पास 2 लंग्स है तो प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर लंग्स में जाके प्राइमरी ब्रोंकाई फिर से डिवाइड करती है और बनाती है आपकी सेकेंडरी ब्रोंकाई। सेकेंडरी ब्रोंकाई बनाती है ब्रोंकियोल्स, एंड ब्रोंकियोल्स फिर बाद में बनाएगी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, राइट। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद एक और ब्रोंकियोल आता है बाय द वे, वो है आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। एक्चुअली इनसे पहले एक छोटा सा और पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगी, टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड इनिशियल ब्रोंकियोल 2 है, ठीक है। तो ये टर्मिनल ब्रोंकियोल एंड इनिशियल ब्रोंकियोल भी है। इनिशियल ब्रोंकियोल थोड़ा सा थिक होगा, राइट, फिर वो टर्मिनल ब्रोंकियोल बनाएगा, और टर्मिनल ब्रोंकियोल फाइनली एल्वियोलर डक्ट से कनेक्ट होती है, ठीक है। अब इसके बीच में जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, बट मैं एक्स्ट्रा बता देती हूँ, वो एल्वियोलर डक्ट से पहले ही आता है, और वो भी एक्सचेंज जोन का पार्ट है, नाम से ही पता चल रहा है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स, करेक्ट। एनीवे, तो एल्वियोलर डक्ट फिर एंटर करेगी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, राइट। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर में एल्वियोलर डक्ट एंटर कर गई, और यहाँ जाके वो अलग अलग एल्वियोलाई में एंटर करेगी, इस तरह से एल्वियोलाई प्रेजेंट है, अलग अलग एल्वियोलाई में वो एंटर करेगी, और एल्वियोलाई इज शोइंग इट्स द साइट फॉर व्हाट, एल्वियोलाई में ही तो एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन होता है, साइट फॉर एक्सचेंज और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लंग्स के अंदर। तो आपके एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, मतलब यहां से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल तक आता है कंडक्शन पार्ट या जोन। कंडक्शन पार्ट का काम क्या है, इसका काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, राइट, मॉइस्चरिंग द गैसेस, मॉइस्चर प्रोवाइड करना। गैस तो सूखी थी, सूखी हवा ली थी हमने अंदर, राइट। फिर ह्यूमिडिफाइज द एयर, रिमूव्स द डस्ट पार्टिकल, नोज में आपको हेयर्स दिखेंगे, रिमूव भी करता है डस्ट पार्टिकल को। ट्रैकिया में, ब्रोंकियोल्स में, ब्रोंकाई में आपको म्यूकस दिखेगा, ये म्यूकस भी डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करके बाहर फेंक देता है। अपनी स्नीज करते हो, स्नीजिंग करके निकालते हो, या म्यूकस निकाल दिया, उसमें क्या है, डस्ट पार्टिकल ट्रैप्ड है, और ये आपके जो एयर जिसको आपने इनहेल किया है उसको आपके बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच भी करता है। कैसे, आपने जो भी हवा लिया, जरूरी नहीं है कि वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का हुआ, जो आपका बॉडी टेम्परेचर है कांस्टेंट, है ना। तो वो जब एंटर किया, एक तो ये नोज ने हेल्प किया, नेजल चेंबर ने, है ना, एयर को कंडीशनिंग करने में हेल्प किया, गर्म किया हवा को बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच कराया, तो वही काम करता है, इट ब्रिंग्स द एयर टेम्परेचर टू बॉडी टेम्परेचर। ये सारा काम आपके कंडक्शन जोन का है।
रेस्पिरेटरी जोन का काम क्या है या एक्सचेंज जोन का काम क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये रेस्पिरेशन कराएगा या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराएगा। तो यहाँ पे डिफ्यूजन ऑफ एयर बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई आपको दिखने में मिल जाता है। यहाँ पे एयर और एल्वियोल यू नो ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में डिफ्यूजन होगा किसका, O2 एंड CO2 का। क्यों ब्लड एंड टिश्यू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने एल्वियोलाई तक ही लिखा है ना, ये लंग्स का पार्ट पढ़ रहे हैं आप, लंग्स में जो पार्ट्स है राइट। तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में जो डिफ्यूजन हो रहा है, तो ये हो गया आपके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट्स। अब हम थोड़ा अंदर की तरफ एंटर करेंगे और एनाटॉमी पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक ग्लॉटिस है ना, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ द ट्रकिया। यहाँ पे आपको ग्लॉटिस दिखेगा, तो यहाँ पे अरे एपिग्लॉटिस है, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, यह है ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है, ओपनिंग ऑफ द ट्रकिया। तो ग्लॉटिस के थ्रू एंटर हो रहा है एयर, लेकिन ये एयर एंटर होने से पहले यहाँ पे आपको कुछ लैरिंग्स भी दिख रही है, ये 9 कार्टिलेज से बनी हुई है और एक कार्टिलेज आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है, लैरिंग्स का ही पार्ट है ये एपिग्लॉटिस। ये हमेशा ग्लॉटिस को इस तरह से कवर कर देती है जब जब आप खाने को स्वेलो कर रहे हो। तो खाना स्वेलो करते वक्त आप ब्रीथ नहीं कर सकते हो एक साथ, करना चाहो तो चोक हो जाएगा राइट, गले में खाना चला जाएगा आपके इस विंड पाइप में। तो इसको बोलते हैं डीग्लूटिशन एपनिया। डीग्लूटिशन का मतलब है स्वेलोइंग, एपनिया इज एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। तो देर इज एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग वेन एवर यू आर स्वेलोइंग द फूड। ये नेचुरल मेथड है आपको प्रोटेक्शन के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए। अब लैरिंग से होते हुए ये ट्रैकिया में एंटर करेगी हवा। तो ये जो ट्रैकिया है ये आपके फिफ्थ थोरासिक वर्टीब्रे में जाके बाइफर्केट हो जाती है। मैंने बोला था ये फिफ्थ थोरासिक वर्टीब्रे में जाके बाइफर्केट हो जाती है। इस कनेक्शन को, इस कॉर्नर को बोलते हैं कैरिना, ठीक है। एनीवे, अब ये जो पूरा ट्रैकिया है ये कवर्ड है इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स से, राइट। तो इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स, यहाँ पे लिखिए सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है, कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है ये कम से कम 16 से 20 है आपके ट्रैकिया में, 16 से 20 आपको ट्रैकिया में दिखेगा। और ये कार्टिलेजिनस रिंग सिर्फ ट्रैकिया में ही नहीं है, ये आपके ब्रोंकियोज में भी है, ये आपके ब्रोंकाई में भी है, राइट एटसेट्रा। क्यों है, देखो ध्यान से समझो। ये सपोज अगर आपका ट्रैकिया का ओपनिंग है, ऐसा ट्रैकिया था, मैं ऐसे दिखा रही हूं आपको, ओपनिंग दिख रहा है नीचे अंदर, राइट। तो जब जब आप सांस लोगे ये फूलेगा, और जब जब आप सांस को बाहर निकालोगे ये पिचक सकता है, इसकी वॉल्स चिपक सकती है एक दूसरे से। इसे प्रिवेंट करना, इसे कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया बोलते हैं। इसे रोकने के लिए हमने क्या किया है, हमने अंदर के तरफ इस तरह से रख दिया है क्या, ट्रैकियल रिंग्स सी शेप। तो जब जब ट्रैकिया क्लोज करने की कोशिश करेगा, ये जो रिंग्स है ना ये अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है ट्रैकिया के, डायग्राम में बाहर ऐसा दिखता है, अंदर के तरफ है। तो जब जब ट्रैकिया क्लोज करने की कोशिश करेगी, पूरी क्लोज नहीं होगी, कुछ ऐसा होगा, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, तो कोलैप्स होने से रोक रही है। पहले क्या हो रहा था, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ये रोकना है हमें। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन आपकी ट्रैकियल रिंग्स यूजुअली कराती है, ठीक है राइट। तो ये काम है आपके ट्रैकियल रिंग्स का। ये सिर्फ ट्रैकिया में ही नहीं, ये ब्रोंकियोल्स में भी प्रेजेंट है, ब्रोंकाई में भी प्रेजेंट है, एटसेट्रा, राइट। तो ये भी छोटा सा एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पे लिख देना चाहूंगी, यहाँ पे छोटा सा एक पॉइंट लिखती हूं मैं, ट्रैकियल रिंग्स इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स आर ऑल्सो फाउंड इन ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, फाइन। ये भी एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट। अब आपने क्या देखा कि आपके ब्रोंकियोल्स एंड ब्रोंकाई तक तो एंटर हो चुका है, राइट। क्या एंटर हुआ, ये आपकी प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर कर रही थी, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई में ये बाइफर्केट कर गई लंग्स के अंदर, सेकेंडरी फिर टर्शरी में बाइफर्केट करेगा, टर्शरी फिर आपके ब्रोंकियोल्स बनाएगा, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो ये आपकी इनिशियल ब्रोंकियोल है, यहाँ पे जो आपको ब्रोंकियोल दिख रही है ये आपकी इनिशियल ब्रोंकियोल है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है इनिशियल ब्रोंकियोल, ठीक है, और ये आपकी टर्मिनल ब्रोंकियोल है,
ठीक है, ये है टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब इनिशियल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल एंटर करेगा कहां पे, आपके एल्वियोलर डक्ट में। ये एल्वियोलर डक्ट्स आपको दिख रही है जो एल्वियोलाई के अंदर ओपन हो रही है, और सारी एल्वियोलाइज आपके कुछ कुछ इस तरह से एल्वियोलर सैक के अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसे गुच्छों में, अंगूर के गुच्छे जैसे ही वो दिखते हैं। और एल्वियोलाई जो है वही आपका साइट फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है। थोड़ा बहुत डिफ्यूजन आपके एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलर सैक में भी हो सकता है, इसीलिए रेस्पिरेटरी जोन का पार्ट है, यू नो पार्ट है। अब अगर हमने लंग्स की एनाटॉमी देखी तो लंग्स को कवर किया हुआ है, पूरे लंग्स को कवर किया हुआ है दो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ने, एक जो एकदम पल्मोनरी वॉल के साथ चिपका हुआ है, ये अंदर वाला जो आपको दिख रहा है ये है आपकी यू नो विसरल विसरल प्लूरा, राइट। एक मिनट, ये आपकी विसरल प्लूरा है, एक मिनट रुक जाओ बेटा, एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन करना है मुझे। तो ये हो गई आपकी विसरल प्लूरा, राइट, ये है आपकी विसरल प्लूरा, इसमें ब्लॉक करके अच्छे से लिख देती हूँ, ठीक है। Here we go, चलो लिख देते हैं यहां पे, ये है आपकी विसरल प्लूरा जो एकदम आपके लंग्स के वॉल के साथ, पल्मोनरी वॉल के साथ अटैच्ड है, और ये है आपका पराइटल प्लूरा, ठीक है, ये है पराइटल प्लूरा, ठीक है, ये है पराइटल प्लूरा। अब ये प्लूरास का कनेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच में आपको ये प्लूरल कैविटी भी दिख रही होगी, ये प्लूरल कैविटी आपको इन दोनों के बीच में दिख रही होगी। इस कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट है और इसका काम है शॉक एब्जॉर्ब करना, राइट, कोई भी एक्सटर्नल शॉक को एब्जॉर्ब करना। जब जब आपकी लंग्स इन्फ्लेट कर रही है या डिफ्लेट कर रही है, ये प्लूरल कैविटी भी उसके साथ साथ लंग्स के पूरे अब इन्फ्लेटेड न्यूली इन्फ्लेटेड शेप को कवर कर रही है, बाहर को एक्सटर्नल शॉक एब्जॉर्ब कर रही है और प्रोटेक्ट कर रही है। और ये जो आपकी पराइटल प्लूरा है ये अटैच्ड होती है आपके ये थोरासिक कैविटी के साथ, ये रिब्स है, ये जितने भी आपको व्हाइट व्हाइट दिख रही है ये कटिंग ऑफ रिब्स है। अगर मैंने इस तरह से काट के अपने रिब्स दिखाए तो ये इस तरह से दिखेगा, कटिंग ऑफ रिब्स है, और उनके बीच में इस तरह से मसल अटैच्ड है, दीज आर मसल इंटरकोस्टल मसल, ये देखो ये रिब्स है और ये इंटरकोस्टल मसल्स है। तो ये रिब्स के साथ अटैच्ड है आपकी पूरी की पूरी ये पराइटल प्लूरा, राइट, और विसरल प्लूरा किसके साथ अटैच्ड है, लंग्स के वॉल के साथ, पल्मोनरी वॉल के साथ। तो जब जब कोई भी चेंजेस आपके थोरासिक कैविटी में आएगा, ये पूरी थोरासिक कैविटी है, राइट, ये थोरासिक कैविटी है, यहाँ रिब्स हो गया, नीचे डायफ्राम आपको दिख रहा है, राइट, सामने स्टर्नम है, पीछे वर्टिबल कॉलम है। तो जब भी थोरासिक कैविटी में कोई चेंजेस आएगा, जैसे आपने ब्रीद इन किया तो थोड़ा सी कैविटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई साइज में, आप खुद ही देखो चेस्ट में हाथ रख के, और जब आपने एक्सहेल किया तो थोड़ा सी कैविटी छोटी हो गई। कोई भी चेंजेस जब थोड़ा सी कैविटी में आएगा, जैसे इनहेलेशन के वक्त तो आपके थोड़ा सी कैविटी एक्सपैंड हो गए, तो जैसे वो एक्सपैंड हुआ उसने पराइटल प्लूरा को खींचा, ये जो पराइटल प्लूरा था ये इससे अटैच था, तो जैसे थोरासिक कैविटी खींच गई उसने पराइटल को खींचा, पराइटल के पास क्या था, विसरल, तो विसरल भी पराइटल के साथ साथ खिंच गया, विसरल किसके साथ अटैच था, पल्मोनरी वॉल के साथ, तो उसने पल्मोनरी वॉल को भी खींचा। तो एनी चेंजेस इन द थोरासिक कैविटी लीड्स टू अ चेंज इन द पल्मोनरी कैविटी, मतलब लंग्स के अंदर भी चेंज आएगा। तो थोरासिक कैविटी खींचा तो पल्मोनरी वॉल लंग्स भी आपका इन्फ्लेट हो जाएगा, खिंच जाएगा, जिससे ब्रीदिंग आसानी से हो सकता है। कैसे होगा वो हम धीरे धीरे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, राइट। तो ये है आपकी यू नो एक मिनट, एक छोटा सा चेंज करना है यहाँ पे, ठीक है, ये आपकी प्लूरल कैविटी है, ठीक है, ये आपकी प्लूरल कैविटी है, दिस इज प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में आपको इस तरह से फ्लूइड भरा हुआ दिखेगा, ठीक है, दिस इज प्लूरल कैविटी।
एक और जो डिफरेंस है आपके लंग्स में, दोनों लंग्स में, आपकी जो राइट लंग है थोड़ी सी बड़ी है, लेफ्ट लंग थोड़ा सा छोटा है। राइट लंग को दो फिशर्स ने डिवाइड किया हुआ है। फिशर का मतलब होता है दरार, ठीक है। तो आपको एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल फिशर दिखेगा यहाँ पे, अगर आप देखो ये हॉरिजॉन्टल फिशर है और एक ऑब्लिक फिशर है। तो आपको 1, 2 and 3 लोब्स लंग्स के दिख जाएंगे और यहाँ पे आपको 1 and 2 दो लोब्स दिखेंगे आपको लंग्स के, ठीक है, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑब्लिक फिशर है, कोई हॉरिजॉन्टल फिशर प्रेजेंट नहीं है। हॉरिजॉन्टल सिर्फ राइट में होता है, ऑब्लिक दोनों में दिखेगा। और इसी पोर्शन को मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ पे अंदर का पूरा जो आपके लंग्स का पार्ट है वो यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे थोरैसिक कैविटी में हमें सिर्फ रिब्स दिख रहा था और डायफ्राम दिख रहा था, बट इन दोनों के अलावा और भी बहुत सारी पार्ट्स और पोर्शंस है आपके थोरैसिक कैविटी में जो अपने कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की वजह से पल्मोनरी वॉल्यूम में भी चेंजेस ला रहे हैं। तो देखो वेंट्रली आपके ये सपोज आपका लंग्स आपने अंदर इधर देखा है ना, आप साइड लैटरल व्यू शो कर रही हूं मैं, ये लंग्स है और लंग्स को सामने से कवर किया हुआ है स्टर्नम ने, वेंट्रली स्टर्नम। डॉर्सली किसने किया है, ये आपको वर्टिबल कॉलम दिख रही है, डॉर्सली वर्टिबल कॉलम ने कवर किया हुआ है लंग्स को। साइड से लैटरली आपको इस तरह से क्या दिख रहा है, रिब केजेस दिख रही है, राइट। तो लैटरली रिब केज है और नीचे से पोस्टेरियरली आपको क्या दिख रही है, डायाफ्राम, राइट। डायाफ्राम मसल है, बाकी सारे आपको बोन्स ही दिख रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी थोरैसिक कैविटी है, थोरैसिक कैविटी की सेटअप है। तो आपकी एनाटॉमी के हिसाब से लंग्स की पोजीशनिंग कुछ ऐसी है अंदर इस थोरैसिक कैविटी के अंदर की एनी चेंजेस इन द थोरैसिक कैविटी विल ब्रिंग चेंज इन द पल्मोनरी कैविटी। यही मैंने बताया कि आपकी थोरैसिक कैविटी खिंच गई तो प्लूरा भी खिंच जाएगा और वो लंग्स को भी खींचेगा, दोनों साइड से खींचेंगे तो लंग्स की भी वॉल्यूम बढ़ गई फिर घट जाएगी। तो इस तरह से आपकी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो जा रही है। ये आपकी एनसीईआरटी का वही डायग्राम है कि देखो the anatomical setup of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the pulmonary cavity। मतलब अगर ये normal आप अगर आप देखो ये normal आपका thoracic cavity था और अगर मैंने इसको change कराया, कैसे change कराया, मैंने इस तरह से change किया thoracic cavity को, मैंने इधर अंदर डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराया, मैंने रिब केजेस को कॉन्ट्रैक्ट कराया, तो ओरिजिनली ये ऐसा था और कॉन्ट्रैक्ट कराने के बाद अब वो ऐसा हो गया। तो चेंज आया थोरैसिक कैविटी में, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा और एयर की मूवमेंट अंदर हो सकती है। तो यही चेंज की वो बात कर रहे हैं और इसी चेंज को हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से वॉल्यूम चेंज करने से या प्रेशर चेंज करने से हवा की मूवमेंट अंदर या बाहर हो सकती है। तो वही चीजें हम यहाँ में डिस्कस करेंगे। तो उसे डिस्कस करने से पहले एक बार स्टेप्स जो आपके रेस्पिरेशन में होते हैं उसे हम देख लेंगे। एंड एक बात जरूर ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इन स्टेप्स में से। कैसे पूछेंगे वो, विच इज द लास्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इन रेस्पिरेशन, राइट। सीक्वेंस क्या है रेस्पिरेशन का, तो वो ऐसे ए बी सी डी ई करके ये सारे सेंटेंसेस लिख देंगे उल्टा फुल्टा हैपजर्ड वे में और वो आपको पूछेंगे कि इसमें से आप सीक्वेंस ढूंढ के सही लिखो, बी सी ए डी ई क्या ऐसा होगा इस तरह। तो अगर हमने स्टेप्स देखे, सबसे पहला स्टेप हमने थोड़ी देर पहले ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया था, है ना। तो क्या था सबसे पहला स्टेप, हमने देखा था एटमोस्फेयर और आपके ये एल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज हो रहा है O2 एंड CO2 का, इसे हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन या ब्रीदिंग, ये है ब्रीदिंग, राइट। सो एटमोस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एयर इज रिलीज्ड आउट, ये आपका सबसे पहला स्टेज है, O2 आया CO2 गया। सेकेंड स्टेप है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, दैट मीन्स O2 एंड CO2 अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, एल्वियोलाई में जो O2 आया वो ब्लड के साथ एक्सचेंज हुआ और ब्लड से CO2 वापस एल्वियोलाई में आया, तो ये आपका सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज हम क्या देखेंगे, थर्ड स्टेप में अब हम देखेंगे कि ये जो O2 रिच ब्लड है ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है टिश्यूज के पास या दूसरे ब्लड वेसल से आपका CO2 रिच ब्लड वापस आ रहा है, तो देर इज गोइंग टू बी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाई द ब्लड, तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेप।
जो फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में आप क्या देखोगे, अब ब्लड लेके तो गया हो टू रिच सेल्स के पास, टिश्यूज के पास, तो यहाँ पे एक्सचेंज भी तो कराना है, O2 को अनलोड करना है और CO2 से लोड होना है ब्लड को. तो आप देखोगे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस दैट इज O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ब्लड एंड टिश्यू. अब टिश्यू ने O2 क्यों लिया था, ताकि वो उस O2 को यूटिलाइज कर सके अपने मेटाबॉलिकल प्रोसेसेस के लिए. O2 की यूटिलाइजेशन हो रही है और रिजल्ट में क्या रिलीज कर रही है, आपकी सेल्स CO2 रिलीज कर रही है. सो यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाई द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, इसको सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. और ये एरोबिक हो रही है क्योंकि O2 की यूटिलाइजेशन हो रही है. ये है लास्ट स्टेप, ये है आपकी फिफ्थ स्टेप, राइट. सो फर्स्ट स्टेप एक्सचेंज, सेकेंड स्टेप डिफ्यूजन बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, थर्ड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, फोर्थ इज डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, एंड फिफ्थ इज यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाई द सेल्स. ये आपकी पूरी की पूरी स्टेप्स है, राइट. ये पूरी की पूरी स्टेप्स है, कहां से कहां पे, अब आपके एल्वियोलाई से यहाँ पे एंड सो ऑन. तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप्स लिख दिया है. कुछ छोटी सी डिटेल्स और यहाँ पे बताना चाहूंगी मैं, क्योंकि यही डिटेल्स आगे आपको समझाने में हेल्प करेगा किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है. आपने देखा कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह पे हो रहा है, या डिफ्यूजन दो जगह पे हो रहा है, एक आपके एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, और एक ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, सेल्स के बीच में, है ना. तो ये जो आपकी डिफ्यूजन है, इस डिफ्यूजन के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है. थिक लेयर हुआ तो डिफ्यूजन होगा नहीं, हमें थिन सेल लेयर चाहिए. तो हमने क्या देखा, यहाँ जो आपकी एल्वियोलाई है, यहाँ पे स्क्वैमस एपिथीलियम है. एल्वियोलाई जो है आपका, वो बना हुआ होता है स्क्वैमस एपिथीलियम से. और ये एल्वियोलाई के सेल्स को हम न्यूमोसाइट 1 भी बोलते हैं. ये न्यूमोसाइट है, न्यूमो का वर्ड मतलब ही है लंग से एसोसिएटेड. तो ये है न्यूमोसाइट 1, ठीक है. ये न्यूमोसाइट 1 सेल स्क्वैमस एपिथीलियम से बना है, और हमें पता है कि स्क्वैमस एपिथीलियम बहुत थिन होती है, तो आसानी से O2 CO2 की एक्सचेंज हो सकती है. लेकिन एक्सचेंज कहाँ हो रही है, एल्वियोलाई से ब्लड में. तो ब्लड के सेल को भी थिन होना पड़ेगा, वो तो हमने पढ़ा ही है कि कैपिलरीज में स्क्वैमस एपिथीलियम होता है, एंडोथीलियम. तो यहाँ भी आपको एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल जो है वो आपको स्क्वैमस मिलेगा. ये भी स्क्वैमस ही है, एंडोथीलियम ऑफ द ब्लड वेसल इज ऑल्सो स्क्वैमस. हमने ये ऑलरेडी एनिमल टिश्यू में देखा था, राइट. तो ये स्क्वैमस एपिथीलियम ऑफ एल्वियोलाई एंड स्क्वैमस एपिथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, ये दो लेयर यहाँ पे हो गया. ये नंबर 1 हो गया, राइट. यहाँ मैं नंबर 3 लिख रही हूँ क्योंकि नंबर 2 में आता है इन दोनों के बीच का बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी दिख जाएगा. तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, राइट. ब्लड वेसल का बेसमेंट मेम्ब्रेन और आपके एल्वियोलाई का बेसमेंट मेम्ब्रेन, दोनों ने मिलके बनाया है कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन, थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि ब्लड एल्वियोलर कैपिलरी एकदम अटैच्ड है एल्वियोलाई के साथ, ठीक है, राइट. तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन तीनों लेयर ने मिलके बनाया है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन. और ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ 0.2 mm थिकनेस की होती है. इतनी ज्यादा थिन है ये कि आसानी से O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन हो सकता है. तो ये क्राइटेरिया है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. ऐसे ही नहीं हो सकता कहीं भी, एल्वियोलाई ही क्यों चुना है, क्योंकि इस थिकनेस इतनी पतली है कि आसानी से डिफ्यूजन हो सकता है. अब हमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग हो कैसे रही है. हमने सब कुछ देख लिया, स्टेप्स वगैरह सब देख लिया. अब सबसे पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आना चाहिए कि O2 एक्सचेंज हो रहा था एटमोस्फेयर और आपके लंग्स के बीच में. ये अपने आप O2 ऐसे अपने मर्जी से नहीं आ रहा था ब्रीदिंग के वक्त, कुछ तो हम कर रहे थे. इसमें थोड़ा सी कैविटी आपकी इन्वॉल्व है. सो थोड़ा सी कैविटी जो आपने देखी, जिसमें हमने थोड़ा सी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ाया, तो आपके पल्मोनरी कैविटी का भी वॉल्यूम बढ़ गया. तो ये वॉल्यूम बढ़ने से ब्रीदिंग होती है, आपकी इनहेलेशन होती है. क्यों, क्या रीजन है, देखो इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे चीज समझना पड़ेगा. देखो ये अगर आपकी, दिस इज योर थोरासिक कैविटी और उसके अंदर आपकी लंग्स प्रेजेंट. तो थोरासिक कैविटी के अंदर फिलहाल तो जो प्रेशर है वो है 762 mmHg, और बाहर जो एटमोस्फेरिक प्रेशर है वो है 760 mmHg. ये क्या है, आपकी एटमोस्फेरिक एयर की जो प्रेशर है. एटमोस्फेयर के एयर के प्रेशर को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट, एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमोस्फेयर में हमारा कोई हाथ है ही नहीं. उसमें जो प्रेशर है वो वैसे का वैसा ही रहेगा. mmHg मिलीमीटर मर्क्यूरी, ये यूनिट है. अब एयर को हमेशा, जो एयर है वो जो मूव करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मूवमेंट ऑफ
movement of air is always from higher partial pressure to lower partial pressure. ठीक है, हमेशा इसी डायरेक्शन में आपकी एयर मूव करती है, हमें उल्टे डायरेक्शन में नहीं जा सकती है. तो अभी फिलहाल मुझे O2 को लेना है अंदर, है ना, तो अभी O2 मूव नहीं कर सकती है, ये तो लो हो गया, ये तो हाई हो गया. तो हमें क्या करना है, हमें इसे कॉन्ट्रैक्ट करा के इस थोरैसिक कैविटी को कैसे भी थोड़ा इंक्रीज करना है. ये हो गई आपकी थोरैसिक कैविटी इंक्रीज. ये किस वजह से हुई है, कॉन्ट्रैक्शन के वजह से हुई है. और इस कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ है, आपका इनहेलेशन होगा, राइट, इनहेलेशन होगा. कैसे इनहेलेशन हो रहा है, कुछ इस तरह से. अंदर का अब हो चुका है 758 मिलीमीटर मर्क्यूरी, जो बाहर से कम है. बाहर तो कॉमन है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है. तो अब हम क्या देखेंगे कि आसानी से O2 की एंट्री यहाँ पे हो रही है, हाई टू लो यही मूवमेंट होती है. इसको हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, क्योंकि हमने अंदर की जो प्रेशर है उसे हमने कम कर दिया. नेगेटिव मतलब माइनस नहीं, यहाँ पे बाहर से कम हुआ ना, इसीलिए. तो ये है आपकी नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, हमेशा इसी प्रेशर से ही मूव करती है गैस, हाई से लो. अब हमें एक्सहेल आउट भी तो करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका कुछ ब्लड वेसल था, ये ब्लड वेसल था, है ना, ये ब्लड वेसल था, लेट्स इमेजिन. और इस ब्लड वेसल में आपने क्या देखा कि यहाँ पे लिख देते हैं, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में आपने जो भी O2 को इनहेल किया है, ये O2 ब्लड वेसल में ही आया, एक्सचेंज हुआ, यही तो फर्स्ट डिफ्यूजन होता है एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में. और ये O2 फिर गया कहाँ, ब्लड में रह गया, नहीं, ये तो सेल्स के साथ फिर एक्सचेंज होगा इसका CO2 का, है ना. तो O2 आपके सेल्स में इस तरह से एंटर करेगा, ये सेल्स है, राइट, ये सेल्स है, सेल्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है, टिश्यू सेल से ही बनती है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो O2 था इसका एक्सचेंज हुआ है. अब O2 को यूटिलाइज किया है, लास्ट स्टेप ऑफ इवेंट ऑफ रेस्पिरेशन, O2 को यूटिलाइज करेगा, ये सारे सेल्स यूटिलाइज करके ये रिलीज क्या करेगा, ये रिलीज करेगा, यहां से ये रिलीज करेगा CO2, राइट, यहाँ पे CO2 बना और CO2 को वापस ये ब्लड के साथ एक्सचेंज करेगा, फिर ये CO2 जाएगी यहाँ पे. अब देखो ज्यादा कम, हाई टू लो, CO2 की मूवमेंट हो गई, आपका एक पूरा ब्रीदिंग प्रोसेस खत्म हो गया, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, राइट. तो ये आपका वापस इस तरह से रिलैक्स भी तो होना, इसको ये रिलैक्स भी तो होगा, रिलैक्स होने के बाद ये वापस इसी शेप में आएगा, फिर ये हाई प्रेशर अंदर बाहर, लो प्रेशर, हाई से लो, ब्लड मूव कर, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर गई. तो रिलैक्सेशन की वजह से क्या होगा, एक्सहेलेशन होगा. तो ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग से हम ब्रीद इन कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं. बट अब क्वेश्चन ये है कि इसको बढ़ाया किसने, ये वापस कैसे गया, अपने आप ब्रेन से तो ऐसा हो नहीं सकता, लंग्स में उसकी अपनी दिमाग थोड़ी है, ये सारा काम हम कुछ मसल्स के थ्रू करा रहे हैं. क्योंकि आपकी थोरैसिक कैविटी बनी किससे है, बोन से, स्टर्नम, वर्टिबल कॉलम, रिब्स, राइट, ये सारे बोन्स है. तो किसी बोन्स को अपने आप मूव थोड़ी कर सकते हैं बिना मसल के, तो मसल के थ्रू ही हम इसे क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कराएंगे. तो आपकी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, एक तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन को हम इनहेलेशन भी बोल सकते हैं, है ना, इनहेलेशन भी बोल सकते हैं. तो मैं यहाँ पे इनहेलेशन भी लिख देती हूँ, ठीक है, ये इनहेलेशन और यहाँ एक्सहेलेशन, ठीक है, एक्सहेलेशन. अब इनहेलेशन हमने अगर नॉर्मल किया, नॉर्मल इनहेलेशन अगर हमने किया, तो हम क्या देखेंगे, नॉर्मल इनहेलेशन में आपका सबसे पहला जो मसल यूज हो रहा है वो है डायाफ्राम. तो डायाफ्राम ने क्या किया, वापस जाके एक बार यहाँ पे देख लेंगे, डायाफ्राम ने क्या किया, ये डायाफ्राम था, इस डायाफ्राम ने कॉन्ट्रैक्ट किया. कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डायाफ्राम क्या होगा, ये आपका डोम शेप डायग्राम था, पहले यहाँ पे डोम शेप था और यहाँ आके वो फ्लैट हो गया, राइट, डोम शेप फ्लैट. जैसे ही वो फ्लैट हुआ उसने क्या किया, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में उसने वॉल्यूम बढ़ा दिया, राइट, यहाँ पे छोटा था, राइट, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस वॉल्यूम कम था, अभी ये फ्लैट हो गया, तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ गया है,
राइट एंटीरियर पोस्टर एक्सिस में वो वॉल्यूम को बढ़ा देगा, किसके वॉल्यूम को, थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम को. सो इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड व्हेन द डायफ्राम फ्लैटेंस, ये करता क्या है, डायफ्राम फ्लैटेंस एंड इंक्रीजेस द थोरैसिक वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टर एक्सिस, इस एक्सिस पे बढ़ा देगा, राइट इस एक्सिस पे बढ़ाएगा, इस एक्सिस पे वो बढ़ा देगा, करेक्ट एंटीरियर पोस्टर एक्सिस. सिमिलरली सिर्फ डायफ्राम से काम नहीं चलेगा, मुझे रिब केजेस को भी तो बाहर बढ़ाना है, रिब केजेस को भी तो मूव करना है ताकि थोरैसिक कैविटी इंक्रीज हो. क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख देती हूँ, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये हमें पता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग. तो हमें प्रेशर को हमेशा बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए वॉल्यूम को देखना पड़ेगा. जैसे ही हमने वॉल्यूम को इंक्रीज किया प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वैसे ही अगर वॉल्यूम डिक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. जैसे कि यहाँ हुआ था, यहाँ पे वॉल्यूम कम था तो प्रेशर ज्यादा था, बाहर से ज्यादा था, यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर कम हो गया ना, यहाँ पे बाहर से प्रेशर कम हो गया. तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ यही ये रिलेशनशिप होता है वॉल्यूम और प्रेशर का, ठीक है. एंड एनी चेंजेस इन द थोरैसिक वॉल्यूम, यहाँ पे लिख देती हूँ इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, ठीक है पल्मोनरी वॉल्यूम के भी चेंजेस होंगे. अब देखते हैं, तो ये आपने ड्यूरिंग इनहेलेशन आपने क्या किया, आपने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराया और आपने एंट्रोपोस्टर एक्सिस में बढ़ा दिया है थोरैसिक कैविटी को. फिर आपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये इंटरकोस्टल, इंटर मतलब बिटवीन कोस्टल रिब्स, रिब्स के बीच में का, कोस्टल इज एक्चुअली कार्टिलेज, तो रिब्स के कार्टिलेज वाले पार्ट के बीच में ये मसल प्रेजेंट है. दो तरह के है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल. जो एक्सटर्नल है, ये अगर रिब्स ले लिया, एक रिब, दो रिब, तीन रिब, चार रिब्स एंड सो, ये एक्सटर्नल इस तरह से प्रेजेंट है, बाहर के तरफ प्रेजेंट है, राइट ये आपके वेंट्रल साइड ऑफ द रिब्स में प्रेजेंट है कुछ इस तरह से. तो ये रिब केज को बाहर के तरफ खींचेगी जब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी आउटवर्ड एंड अपवर्ड. इंटरनल जो है वो पीछे के तरफ है, इस तरह से डोर्सल साइड, मतलब थोरैसिक कैविटी के अंदर के तरफ आपको दिखेगा डोर्सल साइड ऑफ रिब्स, वो आपके रिब केज को अंदर इनवर्ड एंड डाउनवर्ड खींचेगा, राइट तो अगर वो बाहर की तरफ खींचा थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया, अंदर की तरफ खींचा तो थोरैसिक वॉल्यूम घट गया है. तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, इंटरकोस्टल मसल में से एक्सटर्नल ने किया है कॉन्ट्रैक्ट, राइट इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है. तो एब्डोमिनल मसल, एक और आपका थर्ड मसल है, वो रिलैक्स करेगी, क्योंकि जब एब्डोमिन को फ्लैट होकर नीचे जाना है तो नीचे का जो एब्डोमिनल मसल है उसे रिलैक्स ही रहना पड़ेगा, तभी एब्डोमिन को पुश करके वो एब्डोमिन पुश कर सकता है, सॉरी डायफ्राम पुश कर सकता है एब्डोमिनल मसल को. अगर एब्डोमिनल मसल भी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहा तो ये धक्का लग सकता है, राइट दोनों फट जाएंगे. तो एक को तो रिलैक्स करना पड़ेगा ताकि डायफ्राम नीचे जा सके, लेकिन फिर भी क्योंकि दो मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इसीलिए नॉर्मल जो आपकी एक इंस्पिरेशन है, इनहेलेशन है, ये हमेशा आपका क्या होता है, यूजुअली एक्टिव प्रोसेस होता है. एक्टिव क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो फोर्सफुल भी एक्टिव ही होगा. फोर्सफुल इनहेलेशन में क्या हो रहा है, आपने ये फोर्सफुल कर रहे हो, तो इसमें और फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो दो मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक्टिव प्रोसेस होगा. जब नॉर्मल इनहेलेशन ही एक्टिव था तो फोर्सफुल तो होगा, उसमें तो और फुल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है. लेकिन एक्सहेलेशन के वक्त थोड़ा सा बात चेंज हो जाता है. एक और चीज एक्सहेलेशन डिस्कस करने से पहले बता दूंगी कि जब आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो आपका जो थोरैसिक कैविटी है वो कौन से एक्सिस में बढ़ेगा, वो मोस्टली आपके डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में इंक्रीज होता है. डायफ्राम के वजह से एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस और इसके वजह से डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में इन्फ्लेट करेगा, थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगी इस एक्सिस में. दोनों एक्सिस से हमने बढ़ा दिया तो पूरा थोरैसिक कैविटी बड़ा हो चुका है. तो एक्सटर्नल ICM कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुल्स द रिब केज अपवर्ड एंड आउटवर्ड, इंक्रीजेस द थोरैसिक वॉल्यूम इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, राइट तो इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल्स टू इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, जैसे कि मैंने बोला है, राइट एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द पल्मोनरी प्रेशर, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अभी थोड़ी देर पहले बताया.
अब हम बात करेंगे एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन की नॉर्मल केस में। तो आपने यहाँ पे क्या कराया था, ये आपका नॉर्मल था राइट, और आपने रुको एक मिनट प्रॉपरली लिख देती हूँ यहाँ पे, ये आपका नॉर्मल थोड़ा सी कैविटी था। अब आपने इसे इस तरह से वॉल्यूम बढ़ा दिया। कैसे वॉल्यूम बढ़ाया आपने, आपने डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराया था और आपने रिब केज में ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराया था, तो ग्रीन जो पार्ट में शो करी उसमें वॉल्यूम बढ़ गया है। अब आपको नॉर्मली एक्सहेल करना है, तो जिसको जिसको आपने कॉन्ट्रैक्ट कराया था उसे रिलैक्स होने दो, डायफ्राम वापस अपने शेप में चला गया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को रिलैक्स होने दो, वापस चला जाएगा अपने जगह पे, तो हो गई आपकी एक्सहेलेशन नॉर्मली। तो नॉर्मल एक्सहेलेशन में किसी कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, बस आपने इनहेलेशन नॉर्मल इनहेलेशन के वक्त जिसको जिसको कॉन्ट्रैक्ट करा था उसे रिलैक्स कर दो, मतलब आप डायफ्राम को रिलैक्स करा दो, आप एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को रिलैक्स करा दो, एब्डोमिनल मसल तो पहले से ही रिलैक्स था, तो सभी रिलैक्स थे। तो नॉर्मल एक्सहेलेशन हमेशा पैसिव होती है क्योंकि आपको किसी भी चीज की कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन यही चीज जब आप कुछ इस तरह से करोगे, यू नो, यही चीज जब आप फोर्सफुल करोगे, तो फोर्सफुल इनहेलेशन में आपने क्या किया था, ये आपका नॉर्मल सिनेरियो था। फोर्सफुल इनहेलेशन के दौरान ये नॉर्मल इनहेलेशन में किया था आपने, है ना, और फोर्सफुल में आपने कर दिया ये एक्स्ट्रा, आपने और फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट करा दिया। तो अब आपने फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट कराया डायफ्राम को, फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट कराया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, अच्छी बात है। लेकिन आपने इसे जब बोला कि चलो रिलैक्स करो ताकि एक्सहेल हो जाए, तो ये रिलैक्स करने के बाद बस इतना ही जा पाएगी अंदर, ये ओरिजिनल शेप था क्या, ये 762 mmHg लाएगा क्या, नहीं। आपको इसे पूरा ऑल द वे हियर एकदम यहां तक इसे कंटिन्यू रिलैक्स कराना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा मसल्स की जरूरत है। तो वो एक्स्ट्रा मसल का कॉन्ट्रैक्शन कौन प्रोवाइड कराएगा, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल रिब केजेस को अंदर के तरफ खींचेगी और थोड़ा सी वॉल्यूम को रिड्यूस कर देगी ये, ठीक है। तो उसने अंदर के तरफ खींचा, हो गया रिड्यूस, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो कराया ना हमने, कॉन्ट्रैक्ट तो कराया। फिर एब्डोमिनल मसल भी, डायफ्राम तो पहले इतना ही गया था, इसे और थोड़ा पुश करने के लिए एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। ये एब्डोमिनल मसल कुछ नहीं, आपका जो सिक्स पैक एब्स वाली मसल है ना, स्केलेटल मसल, वही एब्डोमिनल मसल है, वो और कॉन्ट्रैक्ट कराएगी। आप खुद ही देखो, आप जब फोर्सफुल एक्सहेल कर रहे हो, आपको कुछ फील हो रहा है यहाँ एब्डोमिन में, तो ये मसल भी काम आती है, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट कराएगी, क्योंकि आपने दो दो मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराया है कहाँ पे, फोर्सफुल एक्सहेलेशन में। तो ये प्रोसेस हो गई है एक्टिव, ये हो गई है एक्टिव। तो सिर्फ आपका नॉर्मल एक्सहेलेशन ही पैसिव होता है, ये बात जरूर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, रख देती हूँ इस डायग्राम को, कोई बात नहीं, छोटा सा ही डायग्राम है, राइट। तो ये नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग, प्रेशर ग्रेडियंट, आई होप ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन हो चुकी होंगी। अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। अभी मैंने बोला कि मैंने नॉर्मल एक्सहेलेशन किया, नॉर्मल फोर्सफुल एक्सहेलेशन किया, नॉर्मल इनहेलेशन किया, फोर्सफुल इनहेलेशन किया। तो इन फोर्सफुल और नॉर्मल में हम कितना अमाउंट ऑफ एयर ले रहे हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। मैंने नॉर्मल किया, कम अमाउंट ऑफ एयर गया, मैंने फोर्सफुल किया, यह मैं कब करी हूं, जब मैं दौड़ रही हूं, एक्सरसाइज कर रही हूं एंड ऑल, डरी हुई हूं या कोई बीमारी है कुछ एक्सेट्रा, उस टाइम कुछ फोर्सफुल वगैरह हो रहा होगा, तब कितना वॉल्यूम अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, उस बात के लिए हमें बात करना पड़ेगा या डिस्कस करना पड़ेगा अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप सबके लिए बना लेती हूँ, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये रहा यहाँ पे, चलो राइट, थोड़ा सा टाइम दे दो एंड आई थिंक हो जाएगा। ग्रेट, हो चुका है। तो चलो देखते हैं, जब आपने नॉर्मली इनहेल या एक्सहेल कर रहे हो, तो आपने ये वॉल्यूम शो कर रहा है, राइट, ये जो आपकी वाई एक्सिस है यहाँ पे, ये वॉल्यूम ऑफ एयर शो कर रही है, वॉल्यूम ऑफ एयर शो कर रही है,
ठीक है, तो आपने नॉर्मल इनहेल किया, कितना लिया 500 ml, 500 ml, ठीक है, फिर आपने नॉर्मली एक्सहेल किया, फिर आपने नॉर्मल इनहेल किया, नॉर्मल एक्सहेल किया, आप 500 ml अंदर ले रहे हो, 500 ml बाहर डाल रहे हो, और आपको पता है इन 500 ml में से सिर्फ 350 ml ही आपके लंग्स तक पहुंचती है, एल्वियोलाई तक पहुंचती है, तो 150 ml कहां गया, इसे बोलते हैं डेड स्पेस। ये आपके ये जो मैंने बोला ना नेजल चेंबर में इस तरह से आपको फोल्डिंग दिखती है नॉल, तो वहां पे कुछ एयर ट्रैप हो गए, कुछ ट्राकिया में ट्रैप हो गए, कुछ यूस्टेशियन ट्यूब से आपके ईयर से बाहर निकल गए एंड ऑल, या यूस्टेशियन ट्यूब में अटक गए ये सारे एयर, ये यहाँ इसे 150 ml अटक जाता है, वो लंग्स तक नहीं पहुंचती है। लेकिन फिर 500 ml बाहर कैसे आया, मैंने तो सिर्फ 350 लंग्स तक पहुंचाया था, लिया मैंने 500 था, 150 यहाँ वहां खो गया और 350 ही लंग्स तक गई, लेकिन बाहर फिर 500 कैसे आ रहा है, ये जो ट्रैप्ड एयर थी सब नेजल चेंबर में, यूस्टेशियन ट्यूब में, ट्राकिया में, इसको लेते हुए ही बाहर आ रही है। तो 350 ml यूटिलाइज किया मैंने, लेकिन 150 ml जो खो गया था उसको वापस 350 के साथ CO2 के साथ ऐड करते हुए बाहर फेंका, इसीलिए 500 ml, इसे डेड स्पेस बोलते हैं, राइट। तो ये 500 ml, इसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, इसे हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, यह है टीवी, शॉर्ट में हम इसे टीवी बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। एक मिनट, टाइडल वॉल्यूम को थोड़ा अंदर की तरफ लिख देते हैं, यह है आपका टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम से आप सपोज आपने सोचा कि चलो मैं थोड़ा नॉर्मल एक्सहेलेशन करते हुए थोड़ा फोर्सफुल भी कर लेती हूँ, मैंने फोर्सफुल इनहेलेशन किया और ये मेरी कैपेसिटी है, इससे ऊपर नहीं जाएगी, तो मैंने बस इससे ऊपर और इनहेल नहीं कर सकती, तो ये आपका लास्ट है ना, टॉप मोस्ट है ये वाला, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर आपने दिया है, ये कम से कम 2500 से 3000 ml के बीच में है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है। ये आपकी IRV, इसको शॉर्ट में IRV बोलते हैं, ये है IRV, ये शॉर्ट में था TV, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, ओके। अब इस वॉल्यूम, ये आपने इनहेल एक्स्ट्रा इनहेल किया है, अब आप एक्सहेल भी करोगे, राइट, ये एक्सहेल किया आपने एक्स्ट्रा, अब आपने क्योंकि फोर्सफुल इनहेलेशन किया है, आपको फोर्सफुल एक्सहेलेशन भी करना पड़ेगा, तो आपने फोर्सफुल एक्सहेलेशन में क्या किया, थोड़ा सा और एयर बाहर फेंक दिया, ठीक है, थोड़ा सा और एयर बाहर फेंक दिया, लेकिन ये जो एयर का अमाउंट है ये 1000 to 1100 ml ही है, मतलब आपके इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से, ये कैपेसिटी नहीं, ये वॉल्यूम होगा, आई एम सॉरी, ये है वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका 2500 से 3000 था, है ना, 2500 से 3000, तो ये अमाउंट थोड़ा कम है आपका, देखो थोड़ा बहुत अमाउंट बच गया है, ये इसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, आपका लंग्स कभी खाली नहीं होता है, थोड़ा बहुत एयर हमेशा इसमें बची हुई रहती है, सो 1000 to 1100 इसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी, इसे हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, ये हो गई आपकी ERV, ये है आपकी ERV, और जो बाकी बची हुई एयर है यहाँ पे, ये जो बची हुई एयर है ये है अराउंड 1100 to 1300 ml, या 1200 भी आप लिख सकते हो, ये है रेसिडुअल वॉल्यूम, ये है रेसिडुअल वॉल्यूम, ये हमेशा आपके लंग्स में रहती है, सो दिस इज द एयर दैट रिमेन्स इन लंग्स, राइट, रेसिडुअल वॉल्यूम। अब इन सारे वॉल्यूम्स को ऐड करके, ये आरवी है, इन सारे वॉल्यूम्स को ऐड करके हम बना सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटीज, तो ऐड बाय एडिंग द वॉल्यूम्स वी कैन गेट कैपेसिटीज, जैसे कि मैंने अगर IRV और TV को मैंने ऐड किया, ठीक है, IRV और TV को अगर मैंने ऐड किया तो मुझे मिल जाता है यहाँ पे IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो यहाँ पे मिल जाता है मुझे IC, वैसे ही अगर मैंने TV को और ERV को ऐड किया, ठीक है, तो मुझे मिल जाती है EC, मतलब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, अगर मैंने इन तीनों को ऐड किया,
IRB, TV एंड ERV, इन सबको अगर मैंने ऐड किया तो मुझे मिल जाता है क्या, VC, वाइटल कैपेसिटी। आप इन वॉल्यूम्स को ऐड करके भी देख सकते हो। अगर मैंने यूजुअली इन सबको पूरा कवर किया, मतलब IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV सबको, ये आपकी टोटल लंग कैपेसिटी है, मतलब इतना अमाउंट ऑफ एयर आपका लंग्स होल्ड कर सकता है एट अ टाइम। मतलब RV तो था ही, उसके बाद आपने क्या किया, आपने एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल किया, ये एक बारी में ये पूरा 6000 ml, मतलब 6 लीटर एयर होल्ड कर सकता है। तो आपकी जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो होता है 6000 to 8000 ml, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर अगर आप लिखो वो आपकी टोटल लंग की कैपेसिटी है, दैट इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। एक और क्वेश्चन आपका पूछा जाता है हमेशा, और वो है कि आपका जो, अगर आपने फोर्सफुल इनहेल किया, लेट्स इमेजिन आपने फोर्सफुल इनहेल किया, ठीक है, आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन, आफ्टर फोर्सफुल इनहेलेशन मतलब 3000 ml ऑफ एयर आपने इनहेल किया, इफ समवन एक्सहेल्स नॉर्मली तो कितना अमाउंट ऑफ एयर बच जाएगा, उनके पास इतना अमाउंट ऑफ एयर बचेगा। मतलब उस बंदे ने, जिसने भी फोर्सफुल इनहेलेशन किया है, राइट, लेकिन नॉर्मल एक्सहेलेशन किया, तो इतना अमाउंट ऑफ एयर बच गया, इसे हम बोलते हैं FRC, इसे हम बोलते हैं FRC, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसे हम बोलेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में रह जाती है आफ्टर अ फोर्सफुल इनहेलेशन बट नॉर्मल एक्सहेलेशन, ये है आपकी FRC, और ये सारी आपकी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ आपने देखा था, एटमोसफेयर से लंग्स, लंग्स से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हुए वो जा रहा है, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा, राइट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आया, टिश्यूज से आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग्स। तो ये साइकिल आपकी एक्सचेंज ऑफ गैसेस चलती रहती है हर एक ब्रीदिंग में। तो ये एक्सचेंज होने के लिए मैंने क्या बोला था कि प्रेशर ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमेशा एयर की मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही होता है, राइट। तो हमने अगर देखा रेस्पिरेटरी गैसेस O2 की मूवमेंट, तो एटमोस्फेयर से एल्वियोलाई में कैसे जाएगी, हाई टू लो, एटमोस्फेयर में 159 मिलीमीटर मर्क्यूरी होता है और एल्वियोलाई में 104। तो अगर आप देखो कुछ इस तरह से, एटमोस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 159, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.3 mmHg, और एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 104 एंड CO2 PCO2 इज 40, राइट। तो हाई टू लो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे एंटर क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि लो टू हाई मूव नहीं कर सकता है एयर, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड उल्टा नहीं जाएगा। अगर आप सोचो कि मेरे नाक को क्या पता क्या ऑक्सीजन है क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, मैं तो सब कुछ इनहेल कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ O2 ही लंग्स तक क्यों जा रही है, पार्शियल प्रेशर की वजह से, CO2 नहीं जा सकता, लो टू हाई नहीं जा सकता है, हाई टू लो ये O2 की मूवमेंट होगी। अब एल्वियोलस से ये इसको जाना है कौन से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, मतलब पल्मोनरी वेन जो ब्लड को लंग से लेके जा रही है लेफ्ट एट्रियम, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में, राइट। तो उसमें O2 जाएगी, और यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके एल्वियोलाई से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कैसे आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 104 है और यहाँ पे 95 है O2 का पार्शियल प्रेशर। तो हाई टू लो आसानी से O2 मूव कर सकता है, CO2 तो आया ही नहीं अभी तक। अब यही हार्ट से निकलते हुए ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी आपके सेल्स या टिश्यूज में वाया एओटा, राइट। तो एओटा भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, सेम ही है इन दोनों का, ठीक है, दोनों ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। अब सेल्स एंड टिश्यूज में आके एसिडिटी बढ़ गई, राइट, वहां पे आप क्या देखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 45, O2 इज 40 mmHg, तो अगेन हाई टू लो मूवमेंट होगी, यहाँ हाई 95 है, यहाँ 40 है, तो यहाँ से यहाँ O2 की मूवमेंट हो गई, एक्सचेंज हो गई, राइट। उल्टा अब आपके सेल्स ने CO2 रिलीज किया, तो इन CO2 का मूवमेंट होना है उल्टे डायरेक्शन में, तो यहाँ 45 है,
राइट, और यहाँ आपके डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 45 है, O2 तो यूटिलाइज हो गया, तो CO2 अगेन 45 से 45 मूव कर सकती है, कहाँ से, सेल्स एंड टिश्यूज से, आपके डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जो कि वीना केवा है, वीना केवा फिर वापस हार्ट में जाएगी, हार्ट से फिर ये लंग्स में जाएगी ऑक्सीजनेशन के लिए वाया पल्मोनरी आर्टरी, दोनों ही डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज 40, PCO2 इज 45, तो हाई टू ये सेम मूवमेंट हुआ यहाँ पे, और यहाँ 45 टू 40 मूव होगा, यहाँ 45 है और एल्वियोलाई में कितना है 40 है, तो हाई टू लो मूव हुआ, फिर यहाँ पे 40 है और यहाँ पे क्या है 0.3 है, अगेन हाई टू लो मूव हुआ, इस तरह से CO2 बॉडी से बाहर चला गया। इसी डायग्राम को यहाँ पे छोटे से टेब्यूलर फॉर्म में मैंने लिखा है, आप डायरेक्शन ऑफ O2 भी देख सकते हो, इस डायरेक्शन में O2 जा रहा है 159 mmHg, एल्वियोलाई में 104 mmHg है, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी 104 से फिर 95 ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड से गया वो टिश्यू में, और टिश्यू से गया फिर वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, राइट right? तो ये बिल्कुल याद रखना, ये फ्लो चार्ट आपकी एनसीईआरटी में थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, मतलब उन्होंने ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बाद डीऑक्सीजनेटेड और फिर टिश्यू ऐसे दे दिया है, थोड़ा गड़बड़ है, ये साइकिल एकदम प्रॉपर है, ये जो सीक्वेंस है एकदम प्रॉपर है, इसे ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, आपके CO2 की मूवमेंट, वो उल्टे डायरेक्शन में होगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से वो आपके टिश्यूज, ऑब्वियसली टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सेम ही है इन दोनों का, फिर वो आया आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, फिर वहां से एल्वियोलाई में, फिर वहां से 0.3 mmHg, दैट मींस योर कहां एटमॉस्फेयर में, तो इस उल्टे डायरेक्शन में आपके CO2 की मूवमेंट आपको दिख सकती है, राइट right? तो हम सबको पता है कि एल्वियोलाई ही प्राइमरी साइट है, ये एल्वियोलाई प्राइमरी साइट है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, राइट, बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, करेक्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको कहां कहां दिखता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू के बीच में भी, तो ये प्राइमरी साइट है और ये सेकेंडरी साइट हो गई, दोनों जगह ही डिफ्यूजन हो रहा है गैसेस का, और कुछ फैक्टर्स है जो इन डिफ्यूजन में मदद करते हैं, इसको इफेक्ट भी कर सकते हैं, या होने देंगे या तो नहीं होने देंगे, कौन से फैक्टर से, हमें इन तीन फैक्टर का ध्यान रखना है, एक तो पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट होना चाहिए, यही पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट है मिलीमीटर मर्क्यूरी, तो हमें पता है प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई द इंडिविजुअल गैसेस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज पार्शियल प्रेशर, एंड दिस पार्शियल प्रेशर में क्या होता है, हमेशा हाई टू लो ही गैसेस की मूवमेंट होगी, राइट। नेक्स्ट हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस का भी ध्यान रखना है, राइट, ये गैसेस कितनी सॉल्युबल है, ध्यान रखना CO2 इज 20-25 टाइम्स मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन, ठीक है, इन द ब्लड, सो यहाँ सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज 20-25 टाइम्स हायर देन O2, करेक्ट, और थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन भी हमें ध्यान रखना है, सो थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑलरेडी मैंने आपको इस डायग्राम में बता दिया था, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन यहाँ पे जो 0.2 mm थिकनेस का है, कितने लोगों ने मिलके, कितने सारे स्ट्रक्चर ने मिलके डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाया है, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बोथ एल्वियोलर मेम्ब्रेन, एल्वियोलाई एंड एंडोथेलियम, एंड ब्लड वेसल का जो स्क्वामस एंडोथेलियम है, इन तीनों ने मिलके बनाया है आपका डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, इसकी थिकनेस भी मैटर करती है, तो ये हो गया आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन दोनों स्ट्रक्चर के थ्रू, आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। अब हम बात करेंगे गैसेस की ट्रांसपोर्ट कैसे हो रही है, ट्रांसपोर्ट मतलब एक्सचेंज हो गया, O2 आ तो रहा है एल्वियोलाई में, फिर एल्वियोलाई से वो ब्लड में गया, कैसे गया, कितने परसेंटेज में गया, वो हमें बात करना है। तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 में हम देखते हैं कि 3% तो प्लाज्मा में ही डिजोल्व हो गया, ये प्लाज्मा है आरबीसी के बाहर, ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाई है बच्चे, ये आरबीसी है, ठीक है, रेड ब्लड सेल है, एक्सचेंज तो ब्लड में ही हो रहा है, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। तो हमने क्या देखा कि 3% ऑफ द O2 इज डिजॉल्व इन प्लाज्मा, इधर ही घूम घूम के प्लाज्मा में डिजॉल्व होकर टिश्यू तक जा रही है, लेकिन 97% ज्यादातर जो है वो ब्लड सेल्स के अंदर घुस के वहां जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट, एंड वो क्या बना रहा है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म बना रहा है 97%, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, आपकी ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट भी जल्दी जाती है आरबीसी के अंदर, क्योंकि ये जरूरी है,
आपकी आरबीसीज, आपकी हीमोग्लोबिन हमेशा HbO2 फॉर्म में नहीं घूम सकती, क्योंकि O2 को फिर अनलोड भी तो करना है टिश्यूज में। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जैसे ही वो आरबीसी में एंटर होती है, जब आरबीसी में पीएच लो हो गया, एसिडिक हो गया, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ये कुछ फैक्टर्स है। कहाँ से बढ़ा, कैसे पीएच कम हुआ, कैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा, वो भी हम देखेंगे, राइट। तो इन चीजों की वजह से HbO2 डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है इनटू O2 एंड HB, और ये आपका O2 फ्री होके फिर कहाँ चला गया, डिफ्यूज इनटू द सेल्स, वो आरबीसी से निकल के डिफ्यूज हो गया, क्योंकि सेल्स को O2 चाहिए। अगर मैं HbO2 के फॉर्म में घुमाती रहूं O2 को, तो सेल्स को कभी मिलेगा नहीं, तो डिसोसिएशन जरूरी है। अब HB तो फ्री हो गया, HB क्या करेगा, ये इसके साथ बाइंड हो जाएगा, राइट। ये जो HB था ये फ्री हो गया, राइट, ये HB जो था ये फ्री हो गया, तो फ्री HB फिर इसके साथ बाइंड कर जाएगा, HB प्लस CO2 क्या बनाया, वो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो अब आते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है, 7% तो प्लाज्मा में डिजोल्व हो गया। मैंने बोला था ना 20-25% ज्यादा टाइम सोल्यूबल है CO2, तो यहाँ 7% प्लाज्मा में डिजोल्व हो सकता है, यहाँ O2 सिर्फ 3% ही हो सकता है, राइट। 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन फॉर्म में ट्रैवल करती है, कैसे, ये सेल्स में जो O2 गया, सेल्स ने यूटिलाइज किया O2 को, और सेल्स से ही CO2 अंदर गया, और 23% इन फ्री HB जो अभी O2 से टूट के HB आया था उसके साथ जुड़ गया और बनाया क्या, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। सो 23% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी नहीं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, ठीक है, राइट। तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रैवल करता गया, तो ये भी जाएगा कहां पे, HbCO2 जाएगा एल्वियोलाई तक, एल्वियोलाई में जाके फिर डिसोसिएट हो जाएगा, CO2 निकल गया एल्वियोलाई के थ्रू, HB फ्री हो गया, फ्री HB फिर से बाइंड करेगा O2 के साथ, ये साइकिल चलता रहता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में मूव करता है, कैसे, अगेन सेल से आपका 70% CO2 आया, 23% तो HB के साथ बाइंड हुआ था, 7% ऐसे ही प्लाज्मा में ही डिसॉल्व हो गया था, और 70% एंटर किया CO2। HB ज्यादा फ्री नहीं है, क्योंकि 97% HB O2 बना हुआ है ना, उसमें से थोड़ा बहुत टूटा तो 23% ने ऑक्यूपाई कर लिया, बाकी बचा क्या करे, ये आरबीसी के अंदर जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करती है, और आरबीसी के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये एंजाइम प्लाज्मा में भी होता है, लेकिन इसका अमाउंट प्लाज्मा में कम है, आरबीसी में ज्यादा है, एन एंजाइम एबंडेंट इन आरबीसीज, इसीलिए मैंने लिखा है एबंडेंट इन आरबीसीज, प्लाज्मा में भी है बट कम है। और जिंक इसका कोफैक्टर है, कोई भी एंजाइम को एक्टिविटी करने के लिए, होलो एंजाइम बनने के लिए कोफैक्टर की जरूरत है, तो यहाँ पे ये जो आयन है जिंक आयन ये प्रोवाइड करता है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस को ट्रिगर करेगी और ये इस CO2 प्लस H2O को कार्बोनिक एसिड बनाएगी, H2CO3। कार्बोनिक एसिड इमीडिएटली फिर ब्रेक डाउन हो जाता है उसी एंजाइम के मदद से, कार्बोनिक एनहाइड्रेस सेम एंजाइम Zn2+ के हेल्प से ये बनाएगी H+ आयन में तोड़ देगी इस बाइकार्बोनेट आयन को, एंड HCO3, H एक यहाँ गया, एक H यहाँ गया, एंड CO3 माइनस, ये बाइकार्बोनेट आयन है। यही बाइकार्बोनेट आयन आपका यूजुअली इसी फॉर्म में ट्रैवल कर, CO2 को ट्रैवल कराएगी, बॉडी से बाहर निकालेगी। लेकिन वो समझने से पहले इस H+ का समझते हैं, ये जो फ्री H+ आया ना, इसे तोड़ के H+ जितना बढ़ेगा pH उतना घटेगा। लेस pH का मतलब क्या है, एसिडिक pH, यही एसिडिटी तो थी, यही लेस pH ही तो था जो HbO2 को तोड़ रहा था इनटू HbNO2। समझ में आया कि क्यों ये फैक्टर अचानक से आरबीसी में कैसे लो पीएच हो गया, इस वजह से हुआ, क्योंकि 70% के वजह से इतने H+ आयंस बन गए कि अभी आरबीसी जो है वो धीरे धीरे एसिडिक हो रही है, पीएच लो हो रहा है उसमें, है ना, क्योंकि इतनी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, मोर H+ लेस पीएच, लेस H+ मोर पीएच, आपने इनवर्स रिलेशन पढ़ा होगा। अब बाइकार्बोनेट आयंस निकलेगी कैसे बाहर, बाइकार्बोनेट आयंस ये आरबीसीज में घूम रही है, लेकिन आरबीसीज में इतना अमाउंट में ये बाइकार्बोनेट आयंस बन बढ़ गया है कि बाहर प्लाज्मा में बाइकार्बोनेट आयंस कम हो गया है। जब भी ऐसा कुछ होता है, आयोनिक डिफरेंस हुई, ऑस्मोलरिटी में दिक्कत हुई, तो हमेशा हाई टू लो मूव करती है आयंस, कि चल भाई तेरे पास कम है मैं तुझे थोड़ा सा दे देता हूँ ताकि बैलेंस आइसोटोनिक हो जाए। तो ये बाइकार्बोनेट आयंस बाहर निकल जाती है प्लाज्मा में, और ये एल्वियोलाई में होता है ये सारी चीजें, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का काम है, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में तोड़ टूटेगी,
और ऑक्सीजन एल्वियोलाई में जुड़ता है। ऑक्सीजन टूटेगा कहाँ? सेल्स एंड टिश्यूज में, राइट। और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ेगा कहाँ? सेल्स एंड टिश्यूज में। ठीक उल्टा चल रहा है अगर आप देखो तो, करेक्ट। ये देखो सेल्स में ही आपकी ऑक्सीजन टूटी और सेल्स में गया, CO2 वहीं से आया, ये कहां पे टूट रहा है? एल्वियोलाई लेवल में। ये एल्वियोलाई से बन के आया था O2। अब ये बाई कार्बन डाइऑक्साइड बार बार निकल रही है, निकल रही है, अच्छी बात है, ये मेंटेन कर रही है कि सेम लेवल में रहे। प्लाज्मा में भी सेम अमाउंट ऑफ बाई कार्बोनेट, अंदर आरबीसी में भी सेम अमाउंट ऑफ बाई कार्बोनेट, बट इस प्रोसेस में ये एक नेगेटिव आयन लूज कर रहा है ना, आरबीसी एक नेगेटिव आयन लूज कर रहा है, तो उसकी आयोनिक बैलेंस तो मेंटेन हो गई, इलेक्ट्रिकल बैलेंस में गड़बड़ हो गई ना। ये एक एनायन था, एनायन गायब हो रहा है उससे, हालांकि वो मेंटेन करने के लिए है, लेकिन ये अपना चार्ज खो रहा है ना, नेगेटिव चार्ज। तो आयन तो कॉन्सेंट्रेशन ठीक हो गया, चार्ज कम हो गया, ये लेस नेगेटिव हो गया, वो हम होने नहीं दे सकते। तो इसीलिए नेगेटिव आयन की पूरी कमी पूरी करने के लिए बाहर प्लाज्मा में बहुत क्लोराइड आयन है, जो कि अगेन एक एनायन है, नेगेटिव आयन है, वो अंदर मूव करती रहेगी ताकि इलेक्ट्रिक बैलेंस भी मेंटेन हो जाए, और ये ऑस्मोटिक बैलेंस तो कर ही रहा था। इसे बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट, या इसका एक और नाम है बच्चों, इसे हम बोलते हैं हैमबर्गर इफेक्ट, इसे हम बोलते हैं हैमबर्गर इफेक्ट, ठीक है। हैमबर्गर वो खाने वाला हैमबर्गर नहीं जो साइंटिस्ट था उसमें दिया था, इसका नाम हैमबर्गर इफेक्ट है, ठीक है, ओके। तो यस, दिस इज अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बोथ O2 एंड CO2, इन दोनों का इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। अब मैंने क्या बोला कि HbO2 का ये जो फॉर्मेशन है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। HbO2 बना कहां पे? एट द एल्वियोलर साइट, एल्वियोलाई में ये बना है, राइट। और कौन कौन से फैक्टर्स हेल्प कर रहे थे? एक तो हाई पीएच, मतलब हाई पीएच मतलब क्या है? अल्कलाइन पीएच, ठीक है, अल्कलाइन पीएच। और क्या है? PO2 हाई होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होना चाहिए, PCO2 लो होना चाहिए, टेम्परेचर भी लो होना चाहिए, तभी वो हेल्प करेगा एसोसिएशन में। इसे एसोसिएशन बोलते हैं, HbO2 फॉर्मेशन। ये कहां पे होता है एसोसिएशन? एल्वियोलर साइट में, ये बात ध्यान रखना। अब ये टूटेगा कहां? ये जो ऑपोजिट आप रिएक्शन देख रहे हो, ये टूटेगा कहां पे? टिश्यू में जाके, क्योंकि टिश्यू को O2 चाहिए, तो HB के साथ जुड़ी हुई O2 नहीं घूम सकती, इसको तोड़ेंगे, HB फ्री होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्वाइन करने के लिए, और O2 टिश्यूज ले लेगी, सेल्स ले लेगी अपनी यूटिलाइजेशन के लिए, राइट। तो टिश्यू साइड पे आपने क्या देखा? यहाँ पे लो पीएच है, ऑब्वियसली लो पीएच क्यों हो रहा है? इतने कार्बन डाइऑक्साइड है, बार बार H+ आयन बन रहा है, तो पीएच लो हो गया, मतलब यहाँ पे एसिडिक हो गई, ये एसिडिक हो गया, राइट। PO2 लो है वहां पे, टिश्यू में PO2 लो है, सिर्फ 40% ही तो है टिश्यू में, 40 mmHg, आपको याद है हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, यहाँ पे टिश्यूज में कितना है PO2? 40 ही है, PCO2 ज्यादा है, तो इसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एट द टिश्यू साइट इज मोर देन ऑक्सीजन, है ना, राइट, मोर देन ऑक्सीजन। तो आप क्या देखोगे? PCO2 ज्यादा है, PO2 कम है, टेम्परेचर हाई है, और ये डिसोसिएशन में हेल्प कर रहा है। अब इसी एसोसिएशन से रिलेटेड होता है ये ग्राफ, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन का, ठीक है, डिसोसिएशन कर्व, आई एम सो सॉरी, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, यहाँ पे हम उसको समझेंगे कैसे बाइंड हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ग्राफ में क्या किया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस लिया है। तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे हम लेंगे, ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे हम लेंगे परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। तो सबसे पहले हमें समझना है सैचुरेशन या सैचुरेटेड HB का मतलब क्या है। तो यहाँ पे मैं छोटा सा लिख देती हूँ कि सैचुरेटेड HB का मतलब है, सैचुरेटेड HB का मतलब है कितने HB इस फॉर्म में है, कितने HB ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म में है, वही है सैचुरेटेड HB। तो फ्री HB को हम सैचुरेटेड HB नहीं बोलेंगे, जो HB या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड है वो है सैचुरेटेड HB। तो वाई एक्सिस पे हमने परसेंटेज ले लिया, सपोज ये है 10%, है ना, ये 20%, 30%, 40, 50, ग्राफ में हम लिख लेते हैं 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एक्स एक्सिस पे हमने लिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर लिख लेते हैं 10 mmHg, मिलीमीटर मर्क्यूरी इज द यूनिट ऑफ पार्शियल प्रेशर, 20 mmHg, 30 mmHg, 40 mmHg, 50 mmHg, 60 mmHg, 70, 80, 90, 100, ठीक है, सब लिख लिया हमने।
अब हम देखते हैं कि कैसे हो रहा है ये चीज। ओके, तो सबसे पहले जब एकदम पार्शियल प्रेशर जीरो था तो हीमोग्लोबिन भी सैचुरेटेड जीरो ही था, हीमोग्लोबिन के पास O2 आया ही नहीं तो बाइंड क्या होगा, जीरो था। जैसे जैसे मैंने बढ़ाया, मुझे एक मिनट दे दो ताकि ना मैं ये थोड़ा सा डॉटेड लाइन से एक चीज एक्सप्लेन कर सकूं आपको, ठीक है, एक चीज मुझे शो करना है आप सबको। फाइन, हो गया, डन, अब बात करते हैं। चलो, अब पहले जीरो था पार्शियल प्रेशर, जैसे जैसे मैंने जीरो से बढ़ाया वैसे वैसे देखो परसेंटेज भी बढ़ रहा है, सैचुरेशन का परसेंटेज भी बढ़ रहा है। कैसे, 10% में इसमें सपोज इतना परसेंट सैचुरेटेड था, 20 पार्शियल प्रेशर में थोड़ा सा और बढ़ गया, देखो इतना 26.6 mmHg में 50% आपका सैचुरेटेड हो गया। आपके बॉडी में, आपके बॉडी के ब्लड में 50% ऑफ द हीमोग्लोबिन आउट ऑफ 100, 50% हीमोग्लोबिन इस फॉर्म में आ गए। तो इसे हम बोलते हैं P50 वैल्यू। तो P50 वैल्यू में क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, छोटा सा लिख देती हूँ यहाँ पे। P50 में आप क्या देखोगे कि एट 26.6 mmHg PO2 50% ऑफ द हीमोग्लोबिन इन बॉडी आर सैचुरेटेड, ठीक है। अब जैसे जैसे मैंने और बढ़ाया इसको, और बढ़ाया मैंने पार्शियल प्रेशर और बढ़ाया, तो ये और बढ़ता रहेगा, ठीक है। पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ता रहेगा, बढ़ा और बढ़ा एंड सो ऑन। सो आपको इस तरह से एक सिग्मोइड शेप का एक कर्व दिखेगा, एक सिग्मोइड शेप का इस तरह से एक कर्व दिखेगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एक सिग्मोइड शेप। ये क्या बन रहा है, ये HbO2 बन रही है। HbO2 ऐसे आगे आगे बढ़ता रहेगा जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर को बढ़ाएंगे, राइट। तो ये आपको एक सिग्मोइड शेप कर्व दिखेगा। अब देखो ये बनाया किसने HbO2, कौन कौन से फैक्टर्स ने HbO2 बनने में हेल्प किया था। सबसे पहला तो जो pH है वो लो होना चाहिए तभी होगा एसोसिएट। दूसरा टेम्परेचर जो है, सॉरी pH हाई होना चाहिए, आई एम सो सॉरी, pH हाई होना चाहिए, अल्कलाइन pH होना चाहिए, गलती से बोल दिया बेटा, ठीक है। टेम्परेचर जो है वो हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 लो होना चाहिए। दीज आर द फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एसोसिएशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन। ये एसोसिएशन फास्ट होगा, बहुत फास्ट होगा ये सारे एसोसिएशन, अगर ये सारे फैक्टर्स आपके हो, ये सारे फैक्टर्स अगर आपके हो, है ना, तो ये एसोसिएशन जल्दी जल्दी होगा, तो आपको जल्दी जल्दी HbO2 मिलेगा। मतलब पहले अगर 26.6 mmHg में 50% मिल रहा था, अब वो 50% हीमोग्लोबिन आपको 15 mmHg में ही मिल जाएगा। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 15 है तभी आपको 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड दिखने लगेगा। तो ये है शिफ्ट टू द लेफ्ट। ये शिफ्ट टू द लेफ्ट कब होता है, ये शिफ्ट टू लेफ्ट कब होता है, शिफ्ट टू लेफ्ट तभी होगा जब ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल होंगे। लेकिन अगर यही फैक्टर्स उल्टे हो गए, सपोज pH जो है वो क्या हो गया, लो हो गया, है ना, एसिडिक pH हो गया, टेम्परेचर जो है वो हाई हो गया, राइट, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लो हो गया एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गया, मतलब यही डिसोसिएशन वाले सारी चीजें, तो आपको कुछ इस तरह से वो कर्व दिखेंगे। मतलब पहले 50% HbO2 सैचुरेट होने में 26.6 mmHg लग रहा था, अब 50% होने के लिए आपको कुछ 35 या 36 mmHg लगेगा। तो ये बहुत धीरे धीरे हो रहा है, टाइम लग रहा है HbO2 बनने में, तो इसे हम बोलते हैं शिफ्ट टू राइट। और ये शिफ्ट टू राइट, इसे हम बोर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो बोर्स इफेक्ट किस वजह से होती है, बोर्स इफेक्ट इन सारे फैक्टर्स के वजह से होती है। शिफ्ट टू लेफ्ट को एक हम हेल्डन्स इफेक्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, ये हेल्डन्स इफेक्ट भी हम इसे बोल सकते हैं। हेल्डन इफेक्ट किस वजह से होता है, जब पीएच
हाई हो, मतलब सॉरी पीएच लो हो, मतलब एल्कलाइन हो, ठीक है, जब आपका पीओ टू ज्यादा हो, सीओ टू कम हो, पीसीओ टू एंड टेम्परेचर कम हो, इस टाइम पे आपको एसोसिएशन दिखेगा, राइट, हेल्डन इफेक्ट दिखेगा, बोर्स इफेक्ट, ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका उल्टा इफेक्ट दिखेगा आपको, करेक्ट। अब हम बात करेंगे, लास्ट का ही दो छोटा छोटा टॉपिक बचा है, एक टॉपिक है आपका रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बच्चे दो तरह से रेगुलेट होते हैं, मतलब आपने जो रेस्पायर आप कर रहे हो, आप कॉन्शियसली हमेशा सोचते हो कि अभी मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, मैं ब्रीद आउट कर रही हूँ, आप सोच के नहीं कर रहे हो, आप जब सो रहे हो तब भी अपने आप ब्रीदिंग चल रही है, आप पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो तब भी चल रही है, कोई काम कर रहे हो, अपने आप ये अनकॉन्शियसली ही चलता रहता है ये चीज। तो इसे रेगुलेट कौन करता है, इस ब्रीदिंग को ऑटोमेटिकली रेगुलेट कौन कर रहा है, आपका न्यूरल कंट्रोल भी है एंड केमिकल कंट्रोल भी यूजुअली होता है, तो ऑटोमेटिक तो आपका न्यूरल कर रहा है। तो इस तरफ पहले देखो, ये पूरा एक फ्लो चार्ट है, तो दो तरह का होता है, एक न्यूरल एक केमिकल, ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे लिख लेंगे, एक न्यूरल एंड एक केमिकल, ये दो होता है, ये नंबर नंबर वन एंड नंबर टू। तो न्यूरल पे पहले ध्यान लगाते हैं, तो न्यूरल में क्या होता है, ये नॉर्मल आपका ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली कर रहा है, दो पार्ट ऑफ द ब्रेन इसमें हेल्प करते हैं, एक है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, दूसरा है पॉन्स बेरोली, ये आपके ऑटोनॉमिक न्यूरल कंट्रोल का ही पार्ट है, ऑटोमेटिक जो बोलते हैं, नॉट ऑटोनॉमिक, ऑटोमेटिक। तो मेड्यूला में एक है वीआरजी, एक है डीआरजी, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, क्योंकि वो मेड्यूला के वेंट्रल पोजिशन में लोकेटेड है, एंड डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो आपका जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, मतलब ये जो मैं नॉर्मल इनहेल किया, मैंने एक्सहेल तो अपने आप हो रहा है, तो ये नॉर्मल इनहेलेशन करके छोड़ देता है, एक्सहेलेशन तो अपना आप होना ही है, नॉर्मल वाला पैसिव प्रोसेस है, तो ये एक रिदम क्रिएट कर रहा है, जो मैं नॉर्मल अभी ब्रीथ कर रही हूँ, एक नॉर्मल रिदम है, राइट। वीआरजी क्या करता है, वीआरजी नॉर्मल इनहेलेशन के वक्त ये एकदम सोया हुआ रहता है, राइट। तो वीआरजी में मैं एक चीज यहाँ पे लिख देती हूँ, वीआरजी इनएक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, इनएक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग के वक्त ये आपका इनएक्टिव रहता है ब्रीदिंग, क्योंकि कौन सा वाला, वीआरजी, क्योंकि वीआरजी का काम है ये आपके बॉडी में, जब आप फोर्सफुल रेस्पिरेशन कर रहे हो, ये आप दौड़ दौड़ के कर रहे हो, ये तब एक्टिवेट होगा जब आपको फोर्सफुल करना है, राइट, तब ये एक्टिवेट होता है। तो ये दोनों ही एक रिदम कर रहे हैं, ये नॉर्मल वाला रिदम कर रहा है और वीआरजी आपका फोर्सफुल का है तो रिदम कर रहा है, तो ये दोनों आपका मोस्टली रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, एक्चुअली डीआरजी है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उन्होंने लिखा है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर मेड्यूला में है, एक्सप्लेन उन्होंने कहीं नहीं किया है कौन सा क्या है, तो मैंने बोल दिया, बट ध्यान के लिए याद रखना कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में आपको रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर दिखेगा, आरआरसी बोलते हैं। अब पॉन्स वेरोली जो दूसरा पार्ट है आपके हाइंड ब्रेन का, इस ये भी ऑटोमेटिक आपके न्यूरल कंट्रोल करता है रेस्पिरेशन का, इसमें आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर एक स्विच ऑफ पॉइंट है, ठीक है, एक स्विच ऑफ पॉइंट है। स्विच ऑफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो मैंने ब्रीदिंग की ना, एक टाइम पे आके आप इससे ज्यादा ब्रीदिंग नहीं कर सकते हो, तो ये हमने फोर्सफुल इनहेल किया, कभी कभी आप देखना फोर्सफुल इनहेलेशन में भी आपका यू नो डेप्थ कम होता है, मतलब इतना करके आप और नहीं ले सकते हो, ये उसने ड्यूरेशन थोड़ा कम कर दिया, राइट। तो ये चेक रोकता है, स्विच ऑफ पॉइंट है कि बस इससे ज्यादा तुम और ब्रीद मत करो, इतना इनहेल काफी, आप पूरा 3000 ml लेने की जरूरत नहीं है, तो ये स्विच ऑफ कर देता है, ड्यूरेशन उसने कम कर दिया। तो ड्यूरेशन कम कर दिया तो क्या होगा, ब्रीदिंग रेट फास्ट होगी, मतलब पहले जब मैं 3000 ml ले रही थी तो मेरा ब्रीदिंग रेट 12 to 16 times per minute था, ये आपका नॉर्मल ब्रीदिंग रेट था ना, तो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट एक बार यहाँ लिख भी देंगे हम लोग, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट कहाँ गया, यहाँ पे, यहाँ लिख देती हूँ, नॉर्मल ब्रीदिंग जो आपका है, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो है वो आपका कितना है, 12 to 16 times per minute, है ना, ये नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है। लेकिन इस ब्रीदिंग रेट को हम इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं जब दौड़ रहे हैं एक्सेट्रा। तो 12 से 16 टाइम्स आप तब कर रहे थे जब आप पूरा 3000 ml इनहेल एंड एक्सहेल कर रहे थे, लेकिन अब स्विच ऑफ पॉइंट ने क्या किया, आप दौड़ रहे हो अचानक से स्विच ऑफ पॉइंट को कुछ काम करना है, कैसे काम करना है, उसे दौड़ रहे हो तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, फास्ट फास्ट चाहिए, तो ये फास्ट ब्रीदिंग रेट करेगा, क्योंकि आप 3000 ml में 12-16 में काम कर रहे थे 12-16 टाइम्स, लेकिन आप 30,000 ml जा ही नहीं रहे, आपने
थोड़ा सा इतना ही ब्रीदिंग है, क्योंकि स्विच ऑफ हो गया उसके बाद, तो आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी। तो आप ये होगा, ये कब होता है, जब आप रेस कर रहे हो, दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, एंड ऑल, ठीक है। तो ये इसको बोला किसने, ये एरिया नॉर्मली ऐसा करता नहीं है, इसको बोला किसी ने, बोला ऐसा करने के लिए, किसने बोला है, उसमें आ जाती है केमिकल कंट्रोल की बात है। केमिकल कंट्रोल भी होता है, तो केमिकल कंट्रोल इज ऑलवेज विद द हेल्प ऑफ कीमो रिसेप्टर्स। कीमो का मतलब ही है केमिकल रिसेप्टर, दे आर सेंसिटिव टू सर्टेन केमिकल्स। ये जो रिसेप्टर्स है, कुछ आपके मेड्यूला में प्रेजेंट है, ये डीआरजी वीआरजी में, मोस्टली डीआरजी में एक्चुअली, एंड कुछ आपके पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। पेरिफेरल मतलब जो ब्रेन में नहीं है, बाकी अलग अलग जगह पे बॉडी में, जैसे कि एओटा में है। एओटा का जो आर्च है, जो हार्ट से एओटा निकल के एक आर्च लेती है ना, ऐसे कर्व जैसा, कुछ ब्रेन्स में जाता है, कुछ हाथ में जाता है, बाकी सब नीचे बॉडी में ब्लड आता है। और आपकी जो एओटा से निकली हुई एक कैरोटिड आर्टरी है, जो आर्टरी है जो ब्रेन तक ले जाती है ब्लड को, वहां पे तो एओटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज में भी कुछ केमिकल सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं। ये सेंसर्स है, ये सेंसेशन लेते हैं। किस चीज का सेंसेशन? कुछ केमिकल्स का सेंसेशन, तभी तो केमो रिसेप्टर है। कौन से केमिकल का सेंसेशन? CO2 एंड H+ का। किस तरह का सेंसेशन, कम हुआ या ज्यादा हुआ? अगर ज्यादा हुआ तो सो ये रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं इंक्रीज इन CO2 एंड H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड। या ये तो ब्लड कैरी कर रहा है ना, एओटा एंड कैरोटिड बॉडीज, ये सब आर्टरीज है, एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के अंदर क्या प्रेजेंट है? CSF, एक वेंट्रिकल है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इन दोनों बॉडी फ्लूइड में, ब्लड में और सीएसएफ में, ये डिटेक्ट करता है CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है क्या, H+ ज्यादा है क्या, ये कब ज्यादा होगा। आप एक्सरसाइज कर रहे हो, O2 बहुत यूटिलाइज हो रहा है, तो उतना CO2 भी ज्यादा ज्यादा बन रहा है, O2 डिप्लीट हो रहा है। जितना CO2 बन रहा है मतलब उतना H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है, याद है अभी क्या बोला था? CO2 plus H2O कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड टूटा H+ एंड बाइकार्बोनेट, तो H+ बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, CO2 बने जा रहा है क्योंकि O2 ज्यादा यूटिलाइज हो रही है, तो इनका इंक्रीज हो गया अचानक से क्योंकि आप एक्सरसाइज करने लगे हो। तो ये डिटेक्ट करता है और ये भेजता है सिग्नल पॉन्स को कि स्विच ऑफ करो, ब्रीदिंग रेट बढ़ाओ। आप धीरे धीरे ब्रीदिंग करके एक्सरसाइज नहीं होगा, 12 से 16 टाइम्स ब्रीदिंग रेट बढ़ाओ। तो इसने ब्रीदिंग रेट बढ़ा दी, चेक्स द डेप्थ ऑफ इनहेलेशन। ये डेप्थ थी ना, ये डेप्थ को कम कर दिया, इतना ही डेप्थ है, ठीक है। अपॉन एक्टिवेशन इट डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन बाय सिग्नलिंग द आरआरसी। आरआरसी मतलब इसी को, पहले आरआरसी क्या कर रही थी? डीआरजी आपका नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहा था, अब इस ये फोर्सफुल करेगा, तो ये इसको भेजता है, राइट। ये जो आपका है ना, ये इसको भेजेगा, कहां गया, राइट, ये पॉन्स वेरोली इसको बोलेगा, वीआरजी को बोलेगा, ठीक है, बीआरजी को, ये रेस्पिरेटरी बीआरजी को बोलेगा कि तुम फोर्सफुल रेस्पिरेशन कराओ। यही तो आरआरसी है ना, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो बीआरजी क्या कर रहा था? कंट्रोल्स फोर्सफुल रेस्पिरेशन। तो ये फोर्सफुल रेस्पिरेशन है, और देखो ड्यूरेशन कितना आपके पास छोटा छोटा है। पहले आप जो आप योगा में कर रहे थे, है ना, अब आप क्या कर रहे हो, फास्ट हो गया आपकी ब्रीदिंग रेट, तो वही काम करा रही है। ये आपका पूरा दो तरह का रेगुलेशन हो रहा है, न्यूरल एंड केमिकल, और उनकी कनेक्शन भी मैंने शो किया कि किस तरह से कनेक्शन हो रहा है। लास्ट छोटा सा जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो है डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे मैंने आपकी एनसीईआरटी की ही लाइंस लिखी हुई है, क्योंकि इससे बाहर वो नहीं पूछते हैं, बट हम करने क्या वाले हैं, हम इन एनसीईआरटी लाइंस को डीकोड करेंगे जल्दी से। तो नंबर वन, एस्मा देखोगे, एस्मा या एस्थमा कुछ लोग बोलते हैं, इट इज एक्चुअली एस्मा। एस्मा और एम्फाइसिमा में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एस्मा है वो हमेशा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इंफ्लामेशन के वजह से होती है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स आ गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। और एम्फाइसिमा कहाँ पे होता है? नीचे जो लास्ट पार्ट है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का, एल्वियोलाई, उसके इंफ्लामेशन नहीं, उसके सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाने की वजह से क्यों होता है, चलो पढ़ते हैं। तो एस्मा में क्या होता है? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग वीजिंग। वीजिंग मतलब ये जो कुछ अजीब सी आवाजें आती है, क्यों ये आवाज आ रही है? इनमें ब्रोंकियोल्स कुछ ऐसा था, ये ब्रोंकियोल्स था, ये ब्रोंकियोल्स के अंदर की एरिया थी। अब कुछ एलर्जिक रिएक्शन की वजह से, जैसे पोलन, किसी को पोलन से एलर्जी है, या एस्मा पेशेंट को अलग अलग चीजों से, यू नो, और नॉन हार्मफुल चीजों से उसको एलर्जीज होती है। तो उसमें क्या होता है, ये जो ब्रोंकाई थी या ब्रोंकियोल्स था, वो स्पैजम कर गया, इन्फ्लेम्ड हो गया, इस तरह से हो गया, तो अंदर की एरिया कम हो गई। पहले अंदर इतना एरिया था हवा जाने के लिए, अब देखो कितना छोटा हो गया, तो ये अजीब सी आवाजें आती है, वो हवा निकालने
वाली वीजिंग आवाज आती है मोस्टली, है ना, राइट. तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोस. नेक्स्ट हम देखेंगे एम्फाइसीमा. एम्फाइसीमा क्या है? एम्फाइसीमा एक तरह का क्रॉनिक डिसऑर्डर है, मतलब प्रोलॉन्ग डिसऑर्डर है, कई दिनों से, बहुत सालों से वो बंदा सफर कर रहा है. तो क्रॉनिक डिसऑर्डर में आप क्या देखोगे, इसमें एल्वियोलर वॉल जो है, तो ये एल्वियोलाई थी, एल्वियोलाई के अंदर लेसाइथिन था. अब बंदा सिगरेट स्मोक करने लगा, तो सिगरेट में कुछ इस तरह के केमिकल्स प्रेजेंट है, कुछ टॉक्सिन्स है जो इस लेसाइथिन को बनने से रोकता है एल्वियोलाई के अंदर. लेसाइथिन एक सर्फेक्टेंट लेयर है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है. तो क्योंकि इसने इसे रिड्यूस मतलब बनने से रोक दिया, अब लेसाइथिन है ही नहीं, बार 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 जब O2 CO2 का यहां से डिफ्यूजन होगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा, आप कोई है नहीं रिड्यूस करने के लिए, तो एल्वियोलर वॉल डैमेज हो गई, कोलैप्स हो गई. बंदे ने रेस्पायर किया, अब कहां पे गया एयर, वो जाके सारे यहाँ पे स्टोर हो गए एयर एल्वियोलाई के अंदर, लेकिन वो डिफ्यूज ही नहीं हो पा रहे क्योंकि डिफ्यूजन लेयर खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है. तो हमेशा लंग्स इज फिल्ड विथ एयर. तो एम्फाइसीमा के जो पेशेंट, जो लॉ प्रोलॉन्ग सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो रहा है, उनके पेशेंट में ऐसे ऐसे सांस लेते वो, क्यों ले रहे, बिकॉज उनके ऑलरेडी एयर भरी हुई है उनके एल्वियोलाई में, वो कहीं जा ही नहीं रही है, वो डिफ्यूज ही नहीं हो रही ब्लड में, तो ब्लड में कमी हो रही है ऑक्सीजन की, राइट. सो इट्स अ क्रॉनिक डिसऑर्डर ड्यू टू डैमेज ड्यू टू रेस्पिरेटरी सर्फेस. सो डैमेज्ड एल्वियोलर वॉल्स इसमें प्रेजेंट है. लास्ट में आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, नाम से ही पता चल रहा है ऑक्यूपेशन, राइट. जैसे कोल माइनर्स, डस्ट माइनर्स एक्सेट्रा, राइट. सो इन सर्टेन इंडस्ट्रीज लाइक दोज इन्वॉल्व इन ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग ऑफ वॉट, स्टोन, तो बहुत डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, राइट. एंड सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप. जितना डस्ट आता है हमारा बॉडी उतना म्यूकस प्रोड्यूस करता है. जैसे आप दिवाली में घर सफाई करने लगे तो डस्ट आता है, तो तब क्या होता है, बहुत खांसी स्नीजिंग ये सब होती है. नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म है आपकी बॉडी की कि म्यूकस सिक्रीट करा करा के डस्ट को ट्रैप करके बॉडी से बाहर फेंकता है. लेकिन ये रोज कर रहे हैं ये काम, डस्ट के कॉन्टैक्ट में रोज आ रहे, कोल माइनर्स हो गए, ग्राइंडिंग स्टोन वाले वर्कर्स हो गए, तो अब बॉडी थक चुकी है, अब और वो डिफेंस नहीं कर सकती, इतना म्यूकस नहीं प्रोड्यूस कर सकती. तो धीरे धीरे उनकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या ट्रैक्ट है वो फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है. जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो स्क्वैमस एपिथेलियम वगैरह थे, सब फाइब्रस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते. तो अगेन स्क्वैमस एपिथेलियम ही तो डिफ्यूजन कर रहा था, वही चला गया, तो कैसे होगा काम, तो खत्म हो गया बात, ठीक है. तो ये आपके यू नो इनके यूजुअली इनको बोला जाता है कि दे शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क. वो जो N95 वाले मास्क है वो उनको पहनने को बोला जाता है, बहुत लोग नहीं भी पहनते, इस वजह से ये डिजीज हो सकता है, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, ब्लैक लंग डिजीज एक्सेट्रा, ठीक है. तो बच्चे यही आज का पूरा टॉपिक था हमारे, फुल चैप्टर का हमने पढ़ लिया, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट. तो हमने क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हमने देखा कि ब्रीदिंग क्या है, किस तरह से एयर एंटर कर रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है. उसके बाद हमने क्या देखा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स में किस तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स है. ह्यूमन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हमने बात किया, लंग्स, एल्वियोलाई, ट्राकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोस एक्सेट्रा. उसके बाद हमने बात किया कि किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हो रही है, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल्स, एब्डोमिनल मसल कैसे हेल्प कर रही है आपको ब्रीदिंग करने में, राइट. किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्टिव है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन एक्टिव है, नॉर्मल एक्सहेलेशन पैसिव है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन एक्टिव है. उसके बाद हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज के बारे में डिस्कस किया, हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हो रहा है, एंड फाइनली वी लर्नड अबाउट न्यूरल एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड फाइनली डिसऑर्डर्स. सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आई होप आपको हेल्प करेगा ये नीट माइंड मैप. थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे हेल्दी.